तदात्मनः पूजाम् विज्ञाय विहताम् नृप गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नन्दादिभ्यश्चुकोपसः गणं संवर्तकं नाम मेघानां चांतकारिणां इन्द्रः प्राचोदयत्क्रुद्धो वाक्यं चाहेशमायुत श्री सुखदेव जी महाराज की जय। केदारनाथ भगवान की जय। भगवान आशुतोष अवढ़रदानी बाबा केदारनाथ के चरणों में साष्टांग सदैन्य नमस्कार करते हुए आइए इस अष्ट दिवसीय उपक्रम को उपसंहार की ओर ले चलें। शेष कथा को संक्षेप में एक विहंग दृष्टि करते हुए वंदन करें। प्रभु पूर्ण हैं, यदि हमारा सामर्थ्य भगवत कथा को पूर्ण करने में सक्षम नहीं है तो भगवान स्वयं अपने आप में पूर्ण होने के कारण इस सत्कार्य को जब हम प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे ठाकुर इसको पूर्ण बनाकर मानकर प्रेम पूर्वक स्वीकार करेंगे। ये हम सबकी श्रद्धा है। भगवान ने गोवर्धन लीला के द्वारा गायों का यज्ञ, ब्राह्मणों का यज्ञ और गोवर्धन का यज्ञ संपन्न कराया। यज्ञ, दान और तपह, ये तीन पावनानी मनीषिणाम, मनुष्य को पावन करने वाले साधन हैं। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं इन तीनों का त्याग नहीं करना चाहिए। हाँ, यज्ञ का जो स्वरूप है वो समय समय पर बदलता रहता है। उस समय का जो क्रांत दृष्टा युग पुरुष होता है वो यज्ञ के नए नए स्वरूप को समाज के समक्ष रखता है, जो कि समाज के लिए ज्यादा कल्याणकारी, विशेष लाभप्रद सिद्ध होता है। इंद्र महाराज के यज्ञ का जब भंग हुआ तो इंद्र महाराज को क्रोध आया, स्वाभाविक था। इंद्र ने प्रलयकारी सामर्थक मेघ गणों को मुक्त किया, ब्रज को बहा देने का संकल्प था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने श्री गोवर्धन को अपने वाम कर कमल की कनिष्ठिका पर धारण किया। 7 दिन पर्यंत भगवान खड़े रहे सब ब्रजवासियों की रक्षा करते हुए। गोवर्धन, गो माने इंद्रियां, उसका वर्धन, उसकी वृद्धि का जो प्रदेश है वो शरीर कहलाता है। इसलिए गोवर्धन का एक अर्थ होता है देह, और हम सब के देह रूपी गोवर्धन को आत्मा रूपी श्री कृष्ण ही धारण करते हैं। जिस दिन भगवान इसको धारण करना छोड़ देते हैं उस वक्त ये शरीर शव हो जाता है और फिर उसका विनाश होता है।
ये नहीं समझना चाहिए कि हम अपने पुरुषार्थ से जीवन जी रहे हैं। हमारा ये जीवन पल पल प्रभु कृपा से चल रहा है। इंद्र के गर्व का भी खंडन हुआ, भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा किया और ये बताया कि जो मेरे बताए मार्ग पर चलते हैं, जो सत्य और नीति के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें भय नहीं रखना चाहिए। देवराज भी उनका बाल बांका नहीं कर सकता। अंत में देवराज इंद्र को भी बात समझ में आई, अभिमान छोड़कर इंद्र एकांत में भगवान की शरण में आते हैं, स्तुति करते हैं। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, तपोमयं द्वस्तरजस्तमस्कम्। मायामयोयं गुणसंप्रवाहो, मायामयोयं गुणसंप्रवाहो, न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः, न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। विशुद्धसत्त्वं तव धाम शान्तम्, विशुद्धसत्त्वं तव धाम शांतम्। भगवान ने इंद्र से कहा, इंद्र तुम्हें आए हुए अभिमान को दूर करने के लिए मैंने तुम्हारे यज्ञ का भंग किया है। जाओ इंद्र, मेरे अनुशासन में, मेरी आज्ञा में रह करके तुम शासन करो। और बात बिल्कुल ठीक है, जो भगवान के आज्ञा में होता है वही दूसरों पर, जो खुद अनुशासन में होता है वही दूसरों पर शासन करने के योग्य कहलाता है। तम ब्रह्म श्यामि संपद भ्यो यस्य चेच्छाम्य अनुग्रहम्। मैं अभी अपने भक्तों पर कभी कभी कठोर कृपा करता हूँ और जिस पद प्रतिष्ठा आदि से उनको गर्व होता है, उन पद प्रतिष्ठा संपत्ति आदि से मैं उन्हें भ्रष्ट करके उनका कल्याण करता हूँ। ब्रजवासियों के मन में बात पक्की हो गई कि ऐसे पराक्रम किसी साधारण ग्वाल बाल के नहीं हो सकते। ये वैकुंठ वाले नाथ हम सबको सनात करने के लिए यहां पर पधारे हैं। भगवान से अपने धाम का दर्शन कराने के लिए सबने प्रार्थना किया। दर्शयामास लोकम स्वम गोपानाम तमसः परम। भगवान ने सबको अपने धाम का दर्शन कराया। वैकुंठ धाम की दिव्यता और भव्यता को देखकर बड़े प्रसन्न हुए ब्रजवासी। किंतु भगवान ने जब पूछा तो यही कहा कि नहीं नहीं, हमको तो तुम्हारे इस वैकुंठ से भी ब्रज ही ज्यादा प्यारा लगता है। ठाकुर, यहां जो तुम्हारे साथ आराध्या बन करके बैठे हैं ना, तुम्हारी अर्धांगिनी लक्ष्मी, वो हमारे ब्रज में नंद बाबा के आंगन में झाड़ू लगाती है, सेविका बन करके आई, तो ब्रज की महिमा तो कुछ और ही है। इसलिए हम तो ब्रज का वास ही चाहते हैं। और तब प्रभु ने रास लीला के लिए मन किया। कामदेव ने ललकारा है श्री कृष्ण को कि तुम मुझे हरा दो तो मैं मानूं। एक एक देवता भी भगवान के सामने युद्ध के लिए आते हैं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है भाई, तुम्हें मेरे साथ दो दो चार चार हाथ करने हैं तो तुम्हारी इच्छा को भी पूर्ण करते हैं। आ जाओ अखाड़े में, देख लो बच्चों कि तुम मुझे पराजित कर सकते हो कि नहीं। कामदेव ने कहा देखिए एक शर्त होगी। क्या? बोले मेरे बाप की वहां गैरहाजिरी होनी चाहिए। मेरे पिता यदि गोपियों के अंदर होंगे तो फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, इसलिए मेरे पिता की वहां गैरहाजिरी होनी चाहिए। और काम का पिता कौन है? मन। काम का एक नाम है मनोज, मनोभव,
मन से उत्पन्न होता है। इसलिए भगवान ने सबसे पहले बांसुरी नाद करके गोपियों के मन को खींच लिया, यानी काम का बाप वहां गोपियों के पास न रहे। तो मन श्री कृष्ण के पास चला गया और गोपियां जो समना थी वो अमना हो गई, और श्री कृष्ण जो कि अमना है वो समना हो गए। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुक उवाच, भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायां उपाश्रितः। सुखदेव जी जैसे परमहंस महापुरुष के मुख से ये कथा हो रही है, प्रवाहित हो रही है, तो ये कोई लौकिक कथा नहीं हो सकती। यदि लौकिक कथा होती स्त्री पुरुष के मिलन की, तो सुखदेव जैसा परमहंस महापुरुष इस कथा को न कहता। और जिसको थोड़े ही समय में चलना है, वो महाराज परीक्षित ऐसी श्रृंगार की कथा सुनने में कोई रुचि प्रदर्शित न करते। किंतु ये तो जीव और शिव के एकता की कथा है। भगवान, ये कोई साधारण प्राकृत पुरुष की कथा नहीं है, ये षडैश्वर्य संपन्न प्रभु की कथा है। भगवान अपि तारात्रि ही, अपि से ये बताया कि जीव तो भगवान से मिलने के लिए उत्सुक था, किंतु जब तक भगवान खुद मन न करें, स्वयं भगवान कृपा न करें, तब तक बात कैसे बनेगी। आज भगवान भी तैयार हो गए। तारात्रि ही बहुवचन है, वे रात्रियां आई जिसके लिए नंदव्रज कुमारिकाओं को प्रभु ने वचन दिया था, रामावतार में दंडकारण्य के ऋषियों को भगवान ने जिसके लिए वचन दिया था, वे रात्रियां आई रमण की, ठाकुर के साथ मिलन की। भगवान अपि तारात्रि ही, अब इसको ता को अपि के साथ मिला दो तो क्या होगा, अपिता, भगवान अपिता। बोले भगवान को कोई पिता नहीं है, मतलब ये अजन्मा है, ये सबका बाप है लेकिन इसका बाप कोई नहीं। ये जगत कारण है, ये सबका कारण है, ये सबका अधिष्ठान है, ये सर्वाधार है, ये सर्वात्मा है, लेकिन इसका कोई कारण नहीं है। भगवान अपिता रात्रि ही, कैसी रात्रि, शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः, शरद की, दिव्य वृंदावन है, कुसुमित है, वीक्ष देखा भगवान ने, यह देख करके आकाश में पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र शीतल चांदनी को बरसा रहा है, शीतल मंद सुगंधी हवा चल रही है, यमुना जी धीरी मंथर गति से बह रही है, इस दिव्य वातावरण को देखकर वीक्ष रंतुम मनश्चक्रे, भगवान ने रास के लिए मन किया, भगवान को इच्छा हुई। अब ठाकुर में तो मन था ही नहीं, और जब मन नहीं है तो इच्छा कैसे होगी। हकीकत में जीव में इच्छा है और भगवान में सामर्थ्य है। जीव में इच्छा है किंतु सामर्थ्य नहीं, भगवान में सामर्थ्य है किंतु इच्छा नहीं। तो जीव की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान अपने सामर्थ्य का जब उपयोग करते हैं तब लीला होती है। अपने सामर्थ्य के द्वारा ठाकुर अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करते हैं। किंतु आज भगवान ने मन खींच लिया है ना गोपियों का, वो जो अमना है वो समना हो गए हैं ना, इसलिए भगवान में भी इच्छा को, इच्छा का जन्म हुआ, इच्छा जागृत हुई। जो कभी कोई इच्छा नहीं करते हैं उन्हें आज इच्छा जागृत हुई। वेक्षरंतुम मनश्चक्रे, मनश्चक्रे, और जब मन किया भगवान ने, इच्छा किया कि चलो रास रचावे, रमण करें मेरे दिव्य आत्मस्वरूपों के साथ, योग मायाम उपाश्रिता। भगवान जब लीला करते हैं तो योग माया का आश्रय करके करते हैं। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्ममाया, तो योग माया का भगवान ने आश्रय किया। ये योग माया क्या है, बोले योगाय या माया सा योग माया, भगवान के साथ संयोग कराने वाली, प्रभु से मिलन कराने वाली जो माया है वो योग माया है, वही श्री राधिका है, श्री किशोरी जी है। कृष्ण रसेश्वर है तो राधा जी रासेश्वरी है, रासेश्वरी की कृपा के बगैर रसेश्वर का अनुभव नहीं हो सकता। योग माया का अर्थ संतों ने वेणु बांसुरी ये भी किया है कि योग मायाम उपाश्रिता, योग माया का आश्रय किया, और वेणु को बुलाना है ना सबको, तो ठाकुर ने वेणु को अधरों पर धारण किया, और वेणु में जब प्राण पुरे तो कौन सा, बोले क्लिम बीज, और क्लिम काम बीज है, हमारे यहां बीज मंत्र है,
उनमें क्लिम काम बीज है, वम अमृत बीज है। तो श्री कृष्ण ने जब वेणु को बजाया तो क्या हुआ, बोले वेणु से क्लिम की आवाज निकली, क्लिम बीज मंत्र वेणु में भगवान ने जब उच्चारित किया तो उस क्लिम बीज रूप नाद को सुनकर के वे सब गोपियां जो थी उनके मन में काम प्रकट हुआ। किंतु ये मनोज नहीं है, इसलिए ये काम लौकिक नहीं है, क्योंकि गोपी में मन नहीं रहा, मन तो श्री कृष्ण ने खींच लिया है, इसलिए ये काम लौकिक नहीं है, ये काम कृष्ण विषयक है, अतः अलौकिक है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। कामना श्री कृष्ण की हुई और सब गोपी जब ये सुनती है तो वो किसी को बताती नहीं है कि मैं वहां जा रही हूं उनसे मिलने, उनको यही लगता है ये मुझे ही बुला रहे हैं, ये मुझे ही कह रहे हैं, सबकी अपनी अपनी वैयक्तिक भावना। पर वाकई ठाकुर के साथ जो नाता है ना उसमें सीक्रेसी तो नहीं होती लेकिन प्राइवेसी होती है, एंड देयर इज डिफरेंट बिटवीन प्राइवेसी एंड सीक्रेसी। मीरा अने कृष्णनो जे संबंध छे एमा खानगी कशु नथी पण एमा अंगत छे, ए नातो ए संबंध अंगत छे, गुरु अने शिष्यनो संबंध अंगत छे, खानगी कई नथी, बधाने खबर छे आनी शिष्या छे आनो शिष्य छे, पण ए नातो अंगत होय छे, उसमें सीक्रेट कुछ नहीं है लेकिन प्राइवेट बहुत है, अपने मन ही मन में। इसलिए मीराबाई ने गाया ना, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये प्राइवेसी है संबंध की। तो किसी गोपी ने किसी को बताया नहीं कि क्यों रे सखी सुन रही है तू, कुछ चलना है, चलना मैं अकेली कैसे जाऊं मुझे भय लगता है। ना ना ऐसा नहीं होता, जब ठाकुर में मन लग जाता है तो भय काहे का, फिर संग में कोई नहीं, अकेली ही सब चली, और सब चली अकेली, और सब अकेली चलते 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 वहां तो हजारों इकट्ठी हो गई, अदम्य आकर्षण हुआ। तद अनंग वर्धनम गीतम निशम्य, काम को बढ़ाने वाले उस गीत को, क्योंकि क्लिम बीज काम बीज जो है वो बांसुरी में बजाया है तो सबके भीतर काम को जागृत किया। वाकई भीतर यदि काम न हो, काम एक ऊर्जा है, तो श्री कृष्ण से मिलना कठिन है, बात समझ लेना। बात यही है कि वो काम तुम्हें नीचे की ओर न ले जाए, तुम्हें पतन की ओर न ले जाए, उस काम का ऊर्ध्वीकरण हो और वो कृष्ण की ओर ले जाए। काम जब कृष्ण विषयक है तो वो अलौकिक है, इसलिए एक बड़ा क्रांतिकारी विधान है कि किसी नपुंसक को कभी परमात्मा उपलब्ध नहीं हुआ, उसके लिए काम ऊर्जा चाहिए, बिना ऊर्जा के। बस बात केवल इतनी है कि उस ऊर्जा के प्रवाह को हम श्री कृष्ण की ओर प्रवाहित करें। गोपियों में काम है किंतु वो काम कृष्ण विषयक है अतः अलौकिक है। भैया संसार में जो काम है वो तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा, नीचे की ओर ले जाएगा, और भगवान में जो काम है वो तुम्हारे जीवन को उन्नत करेगा। गोपियों में बिल्कुल काम है किंतु वो काम कृष्ण विषय। चाहे काम से भजो, चाहे क्रोध से भजो, चाहे लोभ से भजो, चाहे भय से भजो, चाहे द्वेष से भजो, किंतु भजो कृष्ण को। तो सोचो ये जो दुर्गुण कहलाने वाली चीजें हैं ना, काम क्रोध लोभ द्वेष भय, ये दुर्गुण कहलाने वाली चीजें भी जब श्री कृष्ण विषयक हो जाती है, इन सबका विषय बन जाते हैं भगवान, तो सच मानिए ये दुर्गुण भी सद्गुण बन जाते हैं, इनमें से सुगंध आने लगती है और भगवान उन्हें प्राप्त होते हैं।
और प्रमाण है श्रीमद् भागवत में, काम से पाया गोपी ने श्री कृष्ण को, कंस में भय है, हिरण्यकशिपु आदि ने क्रोध है, पौंड्रक में दंभ है, शिशुपाल में द्वेष है। किंतु ये द्वेष हो, दंभ हो, काम हो, क्रोध हो, जो कुछ भी हो, किंतु वो कृष्ण विषयक हो तो भगवत प्राप्ति होती है। ये दुर्गुण भी सद्गुण बन जाते हैं भगवान के द्वारा, उन सब का त्राण, कल्याण, निर्वाण हुआ। भय से उद्धार हुआ कंस का। वैसे तो ठाकुर को जो भजते हैं वो निर्भय होते हैं, किंतु उल्टी बात हुई। भय से भजा कंस ने श्री कृष्ण को, ये देवकी का आठवां छोरा, ये मेरा काल है, मुझे मार देगा, अरे वो कहां छुप गया, उसको ढूंढो, उसको बड़ा नहीं होने देना। लगातार 12 साल से भय पूर्वक वह भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रहा था, तो भय के चलते भगवान के द्वारा कंस का भी उद्धार हुआ। शिशुपाल में द्वेष था, कृष्ण को देखते ही उसके दिल में जलन होती थी, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके मस्तक को काट करके उसका उद्धार किया। पौंड्रक में दंभ है, उसने श्री कृष्ण जैसा दाम्भिक रूप बनाया था और कृष्ण से कहा था, तू तो झूठा झूठा वासुदेव है, सच्चा भगवान तो मैं हूं, तू अपने को वासुदेव कहलाना छोड़ दे। देखिए नकली असली को ललकारता है। तो भगवान वहां गए पौंड्रक के नगर में और पौंड्रक के उस रूप को देखा। द्वारकानाथ चतुर्भुज है ना, तो पौंड्रक के भी दो भुजा तो थी ही थी, दो उसने नकली बना के रख ली, शंख चक्र गदा पद्म धारण कर लिया। अब उसका चक्र अपने आप तो घूमने वाला थी नहीं, इसलिए था नहीं, इसलिए हाथ में एक मोटर रख ली, उसकी बैटरी यहां बगल में, और चक्र घूमता रहता था। तो भगवान उसके उस रूप को देखकर हंस पड़े कि वाह क्या खूब बने हो, लगता है मैं अपना ही प्रतिबिंब देख रहा हूं दर्पण में। चलो आखिर तुमने मेरा रूप बनाया तो मैं तुम्हें सारूप्य मुक्ति प्रदान कर देता। ठाकुर जी ने उसको सारूप्य मुक्ति दे दिया। तो बोलो दंभ से भी यदि कोई कृष्ण को भजता है तो भगवान के द्वारा उसका उद्धार होता है। और गोपियों में काम है, कुब्जा में काम है, लेकिन वो काम भी कृष्ण विषयक है, इसलिए सबका भगवान के द्वारा उद्धार हुआ। अदम्य आकर्षण हुआ, हजारों गोपियां खींची चली गई, मानो बहती हुई नदियां समुद्र में मिलने जा रही है। कोई लीपण कर रही थी वो छोड़कर भागी, कोई बुहारी कर रही थी वो छोड़कर दौड़ी। पाययन्त्य शिशून पयः, कोई अपने बालक को पयपान करा रही थी उसको छोड़कर दौड़ी। कोई पति को भोजन करा रही थी वो सब्जी मांगता रहा और ये भागी। कोई सास जी की सेवा कर रही थी उसको छोड़कर दौड़ी। कोई आंख में काजल लगा रही थी, अंजन्त्य काश्चलोचने, भगवान की वेणु को सुना तो वो दौड़ी। जो जिस स्थिति में थी भागी। और भगवान ने क्या किया, बोले कईयों ने, कई गोपियों को उनके पतियों ने रोकने का प्रयत्न किया, भाइयों ने अपनी बहनों को रोकने का प्रयत्न किया, पतियों ने अपनी पत्नियों को, माँ बाप ने अपनी पुत्रियों को। तावार्यमाणाः पतिभिः पितृभिः भ्रातृबन्धुभिः किंतु गोविन्दापहृतात्मानो नन्यवरतन्दमोहिताः। भगवान श्री कृष्ण में जिसका मन लग गया है, जिसके मन को श्री कृष्ण ने खींच लिया है, वे खींची चली गई श्री कृष्ण की ओर। यदि शरीर को रोका पतियों ने, मात पिता ने, भाइयों ने, तो वे गुणमय शरीर को छोड़ करके दिव्य तनु धारण करके भावनात्मक शरीर से, और सच मानिए भावनात्मक शरीर से आपको कृष्ण के साथ रमण करने से कोई रोक नहीं सकता। तनपस किसी का जोर चलता है, मन पर थोड़ी चलता है। इसलिए जगुर गुणमयम देहम, गुणमय शरीर जो है, पांच भौतिक शरीर जो है, उन शरीरों को भले ही रोका सगे संबंधियों ने, किंतु ये दिव्य शरीर धारण करके, भावनात्मक तनु धारण करके, और वाकई पांच भौतिक शरीर जो है उसमें तो अपवित्रता ही है भाई,
क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित अति अधम शरीरा। इस शरीर को तो अति अधम कहा है और ऐसे अति अधम शरीर के द्वारा जो अति दिव्य रसानुभव है ये हो सकता है। इसलिए इस अधम शरीर को छोड़ करके अति दिव्य तनों को धारण करके गोपियां चली भगवान के पास। आई हुई सभी गोपी वृंद को देखकर भगवान ने उन सबका स्वागत किया। स्वागतम ते महाभागा प्रियं किं करवाणि वह व्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम्। स्वागत तुम सबका, कहो कैसे आना हुआ। रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात व्रजम नेह स्थेयम स्त्रीविस्सु मध्यमा। रजन्येषा घोर रूपा, घोर रात्रि है, घोर जंगल है और घोर प्राणी इस जंगल में रहते हैं। इस वक्त वन में वामा शोभा नहीं देती। तुम यहां क्यों आई हो, तुम्हें इस वक्त यहां नहीं होना चाहिए। प्रतियात व्रजम, व्रज में वापस लौट जाओ। न यह स्थेयम, इस वक्त तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। अब देखिए प्रेम में होठ की और हृदय की भाषा अलग अलग होती है। हम चर्चा कर चुके हैं ना, प्रेम में होठ जब हां कहते हैं तब दिल की ना होती है और होठ जब ना कहें तो दिल की हा होती है। तो कन्हैया के होठ तो कह रहे हैं प्रतियात व्रजम, चली जाओ अपने घरों में, वापस लौट जाओ अपने पतियों के पास, अपने सगे संबंधियों के पास। न यह स्थेयम, इस वक्त तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पतियों की सेवा यही तुम्हारा धर्म है, उनके सगे संबंधियों की सेवा यही तुम्हारा धर्म है। ये तो होठ कह रहे हैं और कन्हैया का दिल क्या कह रहा है। प्रतियात व्रजम, न को वहां से यहां ले लो और अर्थ बदल जाएगा। प्रतियात व्रजम न यह स्थेयम, अब आ ही गई हो तो वापस मत जाना, यहीं रह जाओ, अब रास रचाएंगे। भागवत जी के विद्वानों ने अनेक प्रकार से श्रीमद् भागवत के श्लोकों का भावार्थ बताया। यहां पर भगवान कुछ समय के लिए गोपांगनाओं को धर्मोपदेश करते हैं। पति ही शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमायया तदबंधूनां च कल्याण्य। पति की सेवा यही स्त्री का परम धर्म है और पति के सगे संबंधियों की सेवा ये स्त्री का कर्तव्य है। पति दुशील हो, दुर्भागी हो, रोगी हो, वृद्ध हो, जड़ हो कि निर्धन हो, किंतु पत्नी को चाहिए कि पति का त्याग न करे जब तक कि वो अति पातकी न हो। अति पातकी से पुत्र उत्पन्न न करें, ये शास्त्रों का वचन है। तो पति की सेवा ये तुम्हारा धर्म है, तुम क्यों आई हो यहां। देखिए जब भगवान ने यह कहा तो गोपियों को बड़ा आघात लगा। कृष्ण ने इन वचनों के द्वारा मानो उनके हृदय पर घात किया, गोपांगनाओं को आघात लगा और प्रत्याघात कृतवा मुखान्यवशुचश्वसनेन शुष्यत बिंबाधराणि चरणेन भुवम लिखन्त्यः अस्रैरुपात्तमसि विक्कुच कुंकुमानि तस्थुर मृजन्त्यौरु दुःख भरा स्म तूष्णीम्। मुख नीचा है, आंख से अश्रुधार बह रही है, अश्रुधारा से कुछ कुमकुम को धो रही है, पग के अंगूठे से धरती को खोद रही है, नीचे वाले होठ को दांत से दबाया है। अब एक एक क्रिया देखने लायक है। चलो एक ही बात आपको सुना देते हैं। नीचे वाले होठ को दांत से दबाया है, जैसे हम दबाते हैं, मुख नीचा है, आंख से आंसू बह रहे हैं और पग के अंगूठे से धरती खोद रही है, भग्न संकल्पा है। ऊपर वाले दांत से नीचे वाले होंठ को दबाना, ये दांत जो है ना वो सत्व गुण है, रंग भी सफेद है। हाँ तंबाकू खा खा के काले कर दिए हो तो बात अलग है, वरना दांत का रंग सफेद है और दांत कहलाते भी द्विज हैं, द्विज ब्राह्मण
ये सत्वगुण का प्रतीक है, और नीचे वाला जो होठ है वो लोभ का प्रतीक है। तो इनके मन में लोभ था, कृष्ण हमारे हैं, और कृष्ण के साथ उसका दर्शन करते करते, कृष्ण का स्मरण करते करते, कृष्ण के सानिध्य में रहकर कृष्ण की सेवा करते करते, कृष्ण के साथ रमण करते करते तृप्त हो ही नहीं रहा है, लोभ और बढ़ रहा है। तब दांत से नीचे वाले होठ को दबा रही है, मतलब सत्वगुण के द्वारा वो रजोगुण से उत्पन्न जो लोभ है उसको काबू में लेने की, उसको दबाने की कोशिश कर रही है कि जो नहीं होने वाला है। अरे मन, तू उसकी क्यों कल्पना करता है, तू उसकी क्यों कामना करता है? तो लोभ है रजोगुण, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव रजसो लोभये। तो रजोगुण से उत्पन्न लोभ को दांत सत्वगुण है उसके द्वारा दबाने की कोशिश कर रही है, किंतु कैसे रोके? कृष्ण ने जो खींचा है, और कृष्ण के खींचे कोई रोक सकते हैं? वो शक्ति ही ऐसी है, वो आकर्षण ऐसा अदम्य है जिसको रोकना संभव नहीं। और फिर बोली, मैवं विभोरहति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य विषयांस्तव पादमूलं भक्ता भजस्व दुरवग्रह मात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुं। मैवं विभोरहति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् मैवं विभोरहति भवान। ऐसा नहीं कहना चाहिए तुम्हें, ऐसे निठुर न बनो। जिस प्रकार आदि पुरुष भगवान अपने शरण में आए हुए मुमुक्षुओं को भजते हैं, उन पर कृपा करते हैं, तुम्हें भी चाहिए कि तुम्हारे प्रेम को लेकर जो तुम्हारी शरण में आए हैं, तुम्हारे पास आए हैं, उन्हें अपनाओ, उन्हें तारो, ऐसे निठुर न बनो। मां त्यजास्मान कहती है, संत्यज्य सर्व विषयान, हम सब विषयों को छोड़कर तुम्हारी शरण में आई है। और सच मानिए, जब तक लौकिक वासना को, लौकिक विषय को हम नहीं छोड़ते, तब तक भगवान तक पहुंचना संभव ही नहीं। इसलिए इस काम में कहीं लौकिक भाव नहीं है, यह काम कृष्ण विषयक है, आत्म विषयक है, इसलिए इसमें देह भाव की कहीं गंध नहीं है। देह भाव आया कि वो वासना रूप हो गया, और वासना से तो पतन होता है। काम तो बाद में कृष्ण का बेटा बना है, क्योंकि रासलीला में जब काम को पराजित किया ना, तो कामदेव ने सोचा कि वाह, ऐसा संयमी ही होना चाहिए बाप, इसके बेटे बनेंगे। इसलिए जब श्री कृष्ण का रुक्मिणी के साथ विवाह हुआ तो कामदेव बेटा बनकर के आ गए। प्रद्युम्न महाराज साक्षात कामदेव है। ऐसा संयमी बाप हो, ऐसा पराक्रमी बाप हो, ऐसा वीर्यवान बाप हो, जब काम परास्त हुआ तो काम फिर पुत्र बन करके, जैसे वो मंडन मिश्र जी पराजित हुए शंकराचार्य से, तो फिर शंकराचार्य के शिष्य बन गए ना। तो जब काम पराजित हुआ तो पराजित को वो करना पड़ता है जो जीतने वाला कहे। मैं क्या करूं? बोले, मेरे बेटे बन करके आओ, दिव्य रूप बनो, पर धर्मानुकूल काम सृष्टि को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ है। और देखा जाए तो भगवान ने जब उपदेश किया गोपियों को, तो गोपियों ने यही कहा, तुम धर्मोपदेश करते हो, पति की सेवा धर्म है, उनके कुटुंबियों की सेवा धर्म है, लेकिन धर्म चाहिए किसको? हमको नहीं चाहिए। तुमने ही बताया था गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, हमने वही किया है, सब धर्म छोड़कर हम तुम्हारी शरण में आ गई। बोलते कुछ और कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो, तुम्हारी करनी और कथनी में कोई सामंजस्य नहीं दिखाई देता, कपटी कहीं के। तो फिर क्यों कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज? नहीं चाहिए हमें धर्म। अरे धर्म का फल भी तो तुम ही हो, हमें तो तुम चाहिए। तुम्हें छोड़कर हम धर्म को नहीं चाहती। धर्म हमारे लिए कोई साध्य नहीं है, धर्म हमारे लिए साधन है,
साध्य तो हे प्राण प्यारे तुम हो। इसलिए धर्म नहीं चाहिए। अर्थ बोले सब कुछ छोड़कर आइए, हो सकता है माखन सब बंदर खा रहे हो, दूध बिल्लियां पी रही हो, हम जैसा था घर दरवाजा बंद करने के लिए भी नहीं रुकी, जैसा घर था उसी स्थिति में छोड़कर आ गई है। हो सकता है कुत्ते माखन खा रहे होंगे, मरकट माखन खा रहे होंगे, बिल्लियां दूध पी रही होंगी, ये सारा अर्थ जो है उसका नुकसान हो रहा होगा, किंतु यदि हमें अर्थ की फिक्र होती तब तो हम उसको संभालती, लेकिन हम तो बस सब कुछ छोड़कर तुम्हारे प्रेम में पागल होकर दौड़कर आ गई। ना हमें धर्म चाहिए ना हमें अर्थ चाहिए। काम, काम जो लौकिक होता यदि हमारे मन में, तो हम संसार को छोड़कर तुम्हारे पास क्यों आती। तब भगवान तासाम तत्सौभगमदं वीक्षमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीया धीयत तासाम तत्सौभगमदं, तासाम गोपिकानां तत्सौभगमदं वीक्ष्य, गोपियों को वो जो सौभाग्य का मद हुआ कि मेरे जैसी सौभाग्यवती कोई नहीं, मेरे जैसी भाग्यवान कोई नहीं, इनका प्रेम मैंने पाया, ये मेरे तो मद हुआ सौभाग्य का। सौभाग्य के चलते तो ठाकुर मिले ठीक बात है, लेकिन सौभाग्य का फिर मद हो। वीक्षमानंच गोपियों में मद हुआ, और मान किसको हुआ, बोले राधा को, राधा जी को मान हुआ, सबके साथ खेल रहे हैं ये, तो राधा जी रुट गई और चली गई। तो ठाकुर जी ने क्या किया, प्रशमाय प्रसादाय, गोपियों को हुए सौभाग्य मद को प्रशमाय, उसका शमन करने के लिए, आत्यंतिक शमन है प्रशमन, प्रकृष्ट जो शमन है उसको कहते हैं प्रशमन, कि फिर अहंकार का लेश भी गोपी में न रहे। भाई ठाकुर जब रोग को दूर करेंगे तो जड़ से ही दूर करेंगे, इसलिए प्रशमाय। तो गोपियों के अहंकार को मद को प्रशमन करने हेतु, और राधा को जो मान हुआ है तो उसको प्रसाद आया, मान जाओ राधे अब ना रूठो। तो चले गए राधा के पीछे पीछे। जब राधा जी चली गई, अब ये बात समझने लायक है कि राधा जी गई क्यों, क्योंकि गोपियों में जीव में अभिमान आया, और जब जीव में अभिमान आता है तो राधा चली जाती है। राधा क्या है, अविरत बहती हुई कृष्ण प्रेम की धारा का नाम ही राधा है। अहंकार के चलते वो धारा टूट जाती है, वो धारा चली जाती है, जीवन में एक शून्यावकाश, एक सूखापन अनुभव हम करते हैं, जैसे लगता है कितना हरा भरा जीवन था, अचानक अकाल पड़ गया। ये अकाल पड़ा है अपराध के चलते, और ये अपराध है अहंकार। प्रेम भक्ति में अहंकार ही सबसे बड़ा अपराध है, अहंकार ही सबसे बड़ा पाप है। अपराध शब्द की इसलिए व्याख्या करते हुए विद्वानों ने कहा है, अपगता राधा यस्मात् स अपराध, जिसमें से राधा निकल जाए उसको कहा गया अपराध। तो भगवान राधा जी को मनाने राधा जी के पीछे पीछे चले गए, और गोपियों को छोड़कर चले गए। तो जैसे ही भगवान छोड़कर चले गए तो गोपियों का अभिमान भी दूर हो गया कि इनको तो हमारी कुछ पड़ी नहीं, हम तो समझती थी ये हमारे अधीन है, हमारे वश हो गए हैं, किंतु ये जो सर्वतंत्र स्वतंत्र है वो कहाँ किसी के बस में आने वाला है। फिर सोचा नहीं नहीं हमसे ही गलती हुई, हमने ही अपने अभिमान के चलते उनको अपने से दूर कर दिया। गोपियाँ खोजने चली श्री कृष्ण को वृंदावन में, पूछती है पहले बड़े बड़े वृक्षों से पूछती है, रे पीपल, रे बरगद, रे आम्र वृक्ष, तूने कहीं प्रियतम को देखा है। तो उन लोगों ने कुछ जवाब नहीं दिया। तो एक गोपी बोली, सखी बड़े लोग हैं क्यों जवाब देंगे, हम जैसे छोटे लोगों की बात ये नहीं सुनेंगे। दूसरी बोली, हाँ बड़े भी हैं और नर जाति के भी हैं ना, पुरुष सब ऐसे ही होते हैं, नारी होती तो नारी की मदद करती। तो सखी चलो ना तुलसी से पूछो, चलो उस लता से पूछो, छोटी भी हैं हमारे जैसी, क्योंकि बड़े लोग तो जवाब नहीं देंगे, और फिर नारी जाति की भी हैं, हमारी जाति वाली है तो जरूर जवाब देंगी, तो तुलसी से पूछ रही है।
लता से पूछ रही है, क्यों री लता इतनी प्रमोदित क्यों है, क्या उन्होंने तुझे छू लिया है? क्यों री तुलसी तूने उनको देखा है? और पुकारने लगी श्री कृष्ण को, मुरारी एही, हे कुंज बिहारे एही, एही मुरारे कुंज विहारे, एही प्रणत जन बंधो, हे माधव मधुमथन वरेण्यम केशव करुणा सिंधु, रासनि कुंजे गुंजति नियतं भ्रमरशतं किल कांत, एहि निवृत पथ पांथ, स्वामिह याचे दर्शन दानम, स्वामिह याचे दर्शन दानम, हे मधुसूदन शाह, एहि मुरारे एहि मुरारे कुंज विहारे, एहि प्रणत जन बंधो, हे माधव मधुमथन वरेण्यम केशव करुणा सिंधो, केशव करुणा सिंधो, केशव करुणा सिंधो, तन्मनस्कास्तदालापास्तद्विचेष्टास्तदात्मिकाः तद्गुणान एव गायन्त्यः नात्मागाराणि सस्मरुः। देह गेह आत्मविस्मृति हो गई, कृष्ण में तन्मय, आलाप में, विलाप में, प्रलाप में केवल प्रियतम ही हैं। अंदर कुंज निकुंज में जो ढूंढ रही थी प्रियतम को वो बंद कर दिया, सोचा ये प्यारे हमसे छुपने के लिए अंदर 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 चले जाएंगे, जब हम ढूंढती हुई अंदर जाएंगी, इनके कोमल चरणों में कंटक कंकड़ सब लगेगा, उनको कष्ट होगा, वो तो जिद्दी है, नहीं समझेंगे, चलो अपने समझ करके वापस लौट जाती हैं, ताकि कम से कम हमसे छुपने के लिए उनको वृंदावन के कुंज निकुंज में अंदर अंदर ज्यादा जाना न पड़े और उनके चरणों में कंटक कंकड़ आदि लगे नहीं, उन्हें कष्ट न हो। और वो ऐसे जिद्दी हैं कि खुद भी दुखी होकर के कष्ट सहेंगे, लेकिन बस हमसे नहीं मिलना है, मतलब नहीं मिलना। तो सब की सब आ गई श्री यमुना के तट पर। पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना, और यमुना के तट पर क्यों आई? बोले हमसे गलती हो गई, पहले यमुना जी के पास जाना चाहिए था, दीनता का दान मांगना चाहिए था और फिर रास में प्रवेश करना चाहिए था, हम बिना यमुना से कृपा की याचना किए रास में प्रवेश कर लिया हमने, तो हमारे में अभिमान आया, यदि यमुना जी कृपा करती तो हमारे में अहंकार ना आता, और अहंकार ना आता तो राधा जी न जाती, न राधा जाती न कृष्ण जाते, और हमें वियोग न होता। इसलिए फिर से आ गई यमुना के तट पर, प्रणाम किया, बोल श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। हे मां, हे कृष्ण तुरीय प्रिया, दान दो हमें दीनता का, ऐसी कृपा करो कभी हमारे जीवन में अभिमान ना आवे, ये अभिमान हमको अविनाशी से दूर करता है, हमें प्रभु का वियोग कराता है। और फिर यमुना जी के तट पर आकर के सब गाने लगी, क्योंकि सोचा गान प्रिय है गोविंद, कहते हैं मदभक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, तो चलो गाकर रिझावे,
और गोपियों ने गीत गाया गोपी गीत। आइए कुछ श्लोकों का पाठ करें। जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दैत दृश्यता दिक्षुतावका त्वैद्रिता सव त्वं विचिन्वते शरदुदाशय साधु जात सं सरसी जोदर श्री मुषा दृशा सुरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किं वदः हे प्यारे, आपके प्रागट्य के चलते ये व्रज अधिक शोभा को प्राप्त हुआ है। व्रज सुंदर था किंतु आपका आगमन जब से हुआ, आपका पदार्पण हुआ, तब से ये और अधिक सुंदर हो गया। सच प्यारे, तुमसे ये दुनिया और ज्यादा खूबसूरत लगती है, हमें जीने जैसी लगती है। अब तो रमा इंदिरा लक्ष्मी सदैव यही निवास करती है। हमारे प्राण तुम में लगे हुए हैं, हम आप ही का चिंतन करती हैं, हम आप ही की हैं। अब हम ऐसा दावा नहीं करेगी, अधिकार नहीं जताएगी, हम वादा करती हैं हम तुम्हारी हैं, हमें दर्शन दो। सच प्यारे, जब तुम शरतकालीन स्वच्छ सरोवर के जल में खिले हुए कमलकली लालिमा के सदृश नयनों से जब प्रेम पूर्वक हमको देखते हो, तो ऐसा लगता है वो दृष्टि हमारे दिल को बींद कर चली जाती है, हमें घायल करते हो। यदि इसी तरह से मारना था तो फिर उस वक्त हमारी रक्षा आपने क्यों किया? वृषभासुर से, इंद्र के कोप से, वर्षा से, बिजली से, अनेक अनेक असुरों से, हे प्यारे, आपने हमारी रक्षा किया। हर पल आप हमारी चिंता करते रहे तो फिर उस वक्त हमको मरने देते? हम जानती हैं आप केवल यशोदा नंदन ही नहीं हैं, आप प्राणी मात्र के हृदय में रहे हुए नारायण हैं। पृथ्वी के भार को हरने के लिए आप गुप्त रूप से सात्वत कुल में प्रकट हुए हैं। संसार के भय को मिटाने वाला और कामना को प्रदान करने वाला आपका कर सरोरुह, आपका कर कमल, हे प्रियतम, प्रकट होकर के हमारे मस्तक पर पधराओ ताकि हमारी कामना पूर्ण हो। और हमारी कामना क्या है? हे व्रजवासियों के दुख दूर करने वाले वीर, हे गर्वगंजन, हमारी कामना बस केवल आपके दर्शन की है। कृपा करो, लगता है हम अपने ही अपराध के कारण, अपने ही किसी पाप के कारण आपसे दूर हुई हैं, तो उन पापों को दूर करने के लिए हम आपके चरणों में वंदन करती हैं, क्योंकि आपके चरण कैसे हैं? प्रणत देहिनां पाप कर्षणम्, प्रणत देहिनां पाप कर्षणम्, तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम्, तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम्, फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम्,
कुकुचेषु नः कृन्धिरुच्छयम् आपके चरण की महिमा ऐसी है हे प्यारे, जो आपके चरणों में प्रणाम करते हैं उनके पापों का नाश हो जाता है। हमारे ही किसी पाप के चलते हमको आपका वियोग हुआ, हम आपसे दूर हुई, अतः उन पापों को मिटाने के लिए हम आप ही के चरणों में प्रणाम करती हूँ। वो चरण जो गाय के पीछे चलने वाले हैं, साधारण ग्वाले के चरण नहीं है, ये श्री निकेतनम जिन चरणों में सदा लक्ष्मी निवास करती है। और फणि फणा अर्पितम, फणि सर्प काली अनाग उसकी फणा पर अर्पितम। कालिया बड़ा दुष्ट था, फिर भी आपने अपने श्री चरणों को काली के मस्तक पर पधराया। क्या हम कालिया से भी गई गुजरी हैं, हम उससे भी दुष्ट हैं, तो क्या आपके उन चरणों का हमें लाभ नहीं मिलेगा? कृपा करो और हमारी छाती पर आपके उन कोमल चरणों को पधराओ। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय रूपी हृदय में एक नहीं दो दो सर्प रहते हैं। वो यमुना के काली हृदय में कालिया नाग एक रहता था, किंतु हमारे हृदय रूपी हृदय में दो दो सर्प हैं, दर्प और कंदर्प। दर्प अभिमान और कंदर्प काम, ये दोनों भक्ति में बाधक है, लौकिक काम और अभिमान। तो दर्प और कंदर्प इन दोनों सर्पों को हमारी छाती पर आपके चरणों को पधरा कर निग्रह करो दोनों का, और हमारे हृदय रूपी रथ से इन दोनों सर्पों को आप बाहर निकाल दो, ताकि हमारा प्रेम बिल्कुल विशुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए। आपकी मधुर वाणी, आपके वल्गुवाक्य, वल्गुवाक्य का अर्थ है गूढ़ार्थ से भरे हुए वाक्य, बार बार उस पर चिंतन करो तो अनेक 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 अर्थ जिसमें से निकलते हैं। बुद्ध मनोज्ञा उन अर्थों को, उन भावों को बुद्ध पुरुष जो ज्ञानी पुरुष है वही समझ सकते हैं। पुष्करे क्षण पुष्करे हृदय कमले इक्षण दृष्टि यस्य स, एक अर्थ होता है पुष्करे क्षण, कमल नयन, कमल जैसी है जिसकी आंख, और दूसरा अर्थ होता है हृदय कमल पर जिसकी दृष्टि है, मतलब भगवान देह को नहीं देखते, बाह्य सौंदर्य को नहीं देखते, भगवान हृदय के भाव को देखते हैं, भाव सौंदर्य को भगवान देखते हैं, हृदय पर, हृदय के भावों पर भगवान की दृष्टि है। ये सब हमको मोहित करता है, हे वीर प्रकट हो जाओ, अधर सुधा का हमें पान कराओ। आज तक आपके कथामृत को पी पी कर हम जी रही हैं, तुम्हारे वियोग में हम मर ही जाती, किंतु तुम्हारे कथारूपी अमृत का हमने पान कर लिया है, इसलिए हम अमर हो गई, अब मर भी नहीं सकती। ये कथा अमृत कैसा है? कवि पुरुषों के द्वारा इसकी बड़ी प्रशंसा होती है, संत पुरुषों के द्वारा इस कथा की बड़ी सराहना की गई है। पाप का नाश करने वाला है ये कथा अमृत, किंतु समस्या एक ही है, तब कथा अमृतम कलमशापहम अस्ति हृत्तापघ्नम नास्ति। कलमश का तो नाश करती है ये कथा, किंतु जब कलमश माने पाप का नाश होता है, तब तुम्हारे प्रति हृदय में प्रेम होता है, और जब प्रेम होता है तो तुम्हारे वियोग का हृदय में ताप होता है, उस हृदय ताप को तुम्हारी कथा नहीं मिटाती, बढ़ा देती है। वो तो तुम आओगे तब बात बनेगी, लेकिन लगता है कि जिस प्रकार बड़े बड़े श्रीमंत और पैसे वाले लोगों को पैसे का अभिमान हो जाता है तो छोटे लोग बुलाते हैं तो नहीं जाते, उसी प्रकार तुम्हें भी लक्ष्मी छोड़कर कहीं जाती नहीं ना, इसलिए तुम्हें भी श्रीमद हो गया है। श्रीमदाततम श्रीमदेन आततम व्याप्तम, अरे तुमसे तो है श्रेष्ठ तुम्हारी कथा, जब बुलाती हैं हम आ जाती हैं, वो तुम बुलाने पर भी नहीं आते, तुम्हारी कथा सदया है, तुम तो निष्ठुर हो, तुम्हारी कथा तो हमारे अधीन है, तुम तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, और तुम्हारी कथा के लिए वक्ता श्रोता की अपेक्षा है, इसलिए कथा सापेक्ष है, तुम निरपेक्ष हो। और उस कथा को सुनाकर हमें जीवन देने वाले जो कथावाचक हैं वो दुनिया के सबसे श्रेष्ठ दाता है। गोपियों ने कथावाचकों को सर्टिफिकेट दिया है दुनिया के सबसे श्रेष्ठ दानी होने का, तो हम लोग क्यों गौरव ना करें भाई,
सर्टिफाइड दाता हैं हम लोग, और सर्टिफाइड भाई कोई ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी से नहीं, गोपियों की यूनिवर्सिटी से मिला है हमको। भूरी दा जना हे नाथ, जब तुम गाय चराने वृंदावन में जाते हो तो तुम्हारे कमल के से कोमल चरणों में कंटक कंकड़ दरभांगपुर सब लगता होगा। तुम्हारे तो चरण में लगता होगा, किंतु हमारे तो हृदय में लगता है, क्योंकि आपके उन कोमल चरणों को हमने अपने हृदय में धारण कर रखा है। दिन भर हम आपके वियोग में तड़पती रहती हैं, और संध्या समय में जब आप गाय लेकर वापस लौट आते हो, गाय के धन के पीछे पीछे चलते हुए आ रहे होते हैं आप, तो गाय के खुर से उड़ी हुई रत धूल से भरा होता है आपका शरीर। वैसे तो श्याम सुंदर हो, लेकिन उस वक्त पांडु रंग हो जाते हो, और उस मुखारविंद का जब हम दर्शन करते हैं तब हमारे मन में काम उत्पन्न होता है, आपसे मिलने की कामना उत्पन्न होती है। उस कामना को पूर्ण करने के लिए हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं, क्योंकि प्रणत कामदम, जो नमस्कार करता है उन चरणों में उनकी कामना पूर्ण होती है। पद्मजार्चितम, साधारण चरण नहीं है, लक्ष्मी के द्वारा अर्चितम पूजितम। हे नाथ, उन चरणों को आप हमारी छाती पर धारण करो। दिन भर आपके वियोग में हम तड़पती रहती हैं, सायंकाल में जब आप गौ को लेकर वापस लौटते हो उस वक्त हम अनिमेष नयनों से आपका दर्शन करती हैं, और उस वक्त आंख की पलके जब बीच में आती है तो हमको लगता है ये ब्रह्मा जड़ है, उसने ये पलके क्यों बनाई जो बीच में एक पर्दा डाल रही है। ब्रह्मा में अकल ही नहीं है, उसको सृष्टि बनाना आता ही नहीं है। इन पलकों की आवश्यकता क्या है जो हमारे प्रियतम के दर्शन में पर्दा डालती। देखिए 19 श्लोक है गोपी गीत के, किंतु एक भी श्लोक में गोपी ने कृष्ण का नाम नहीं लिया। जिस पर अति प्रेम होता है उसका नाम नहीं लिया जाता, इसलिए पत्नी पति का नाम नहीं लेती, पति पत्नी का नाम नहीं लेता। वो पुराने जमाने की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन नाम नहीं लेने में एक तो है भाव, कि नाम मात्र का नाश निश्चित है, इसलिए हम नाम नहीं लेते, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिसको हम चाहते हैं उसका नाश ना हो, वह चिरंजीव हो। और दूसरा, नाम नहीं लेने में आदर का भी भाव है। जब छोटे बड़ों का नाम नहीं लेते तो उसमें एक आदर का भाव होता है। पप्पा को पप्पा ही कहते हैं ना बच्चे, है मेरे छगन पप्पा, यह कहने की जरूरत नहीं है। विभिन्न संबोधनों से पुकारा है अपने प्रियतम को, लेकिन कहीं भी कृष्ण का नाम नहीं लिया। जब आप वृंदावन में गाय चराने जाते हैं तो दिन में आपके वियोग में हमारी एक एक क्षण युग समान बीतती है। हे प्रियतम, हे अच्युत, हम अपने पतियों, भाइयों, बांधवों, सगे संबंधियों को छोड़कर बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करके ते अंति आगताहा, इस रात के समय में हम स्त्री होते हुए भी दौड़कर तुम्हारे पास आ गई, और तुम हो कि इस वक्त तुम्हारे उद्गीत में मोहित होकर आई हुई हम स्त्रियों को छोड़कर चले गए। कितने गैर जिम्मेदार पुरुष हो, कोई दूसरा होता तो कहता रात का समय है और जंगल है और तुम स्त्री हो, लेकिन घबराने की बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। वाकई संसार रूप भवाटवी में मोह की निशा में और हम डरी हुई अबला की भांति हैं, उस वक्त परमात्मा का सानिध्य, श्री कृष्ण का सानिध्य बड़ा ही आवश्यक है। जिसके जीवन में श्री कृष्ण नहीं है, जिसके जीवन में भगवान नहीं है, उसी के जीवन में भय है। और सच मानिए, जब तक भय है तब तक शांति नहीं, और जब तक शांति नहीं तब तक सुख नहीं। जिस प्रकार कामदेव पंच सायक है, पांच बाणों से प्राणियों को घायल करता है, उसी तरह आपने भी पांच बाणों से हमको घायल किया है। रहसि संविदम ऋच्छयोदयम्, प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम, प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम। बृहदुरश्रियो वीक्ष धाम ते, मुहुरति स्पृहा मुह्यते मनः, मुहुरति स्पृहा मुह्यते मनः।
पांच बाण से आपने भी हमको घायल किया। पहला बाण रहसी संविदम, एकांत में जब जब हमारा कहीं मिलन हुआ तब हमारे बीच में जो बातें हुई आपस में, उस एकांतिक संवाद से हम घायल हुई। पहला बाण। दूसरा बाण, उस संवाद के समय में आपकी जो बातें थी और आपकी जो चेष्टा थी वो रिच्छयोदयम, काम को जगाने वाली और बढ़ाने वाली थी। रिच्छय किसको कहते हैं? काम को। क्यों? बोले हृदय शेते इति, जो हृदय में सोया रहता है उसको कहते हैं काम, और उस सोए हुए को तुमने जगाया। जो दिल में सोता रहता है और वो काम जब जागृत हुआ तो वो तुम्हारे विषय, तब हमारे मन में अब तक तो कोई कामना नहीं थी, अब मन तुम्हें तुम्हारी ही कामना करने लगा, तुम्हें ही चाहने लगा। प्रहसिताननम। तीसरा बाण है आपका हास्ययुक्त मधुर मुखारविंद, जब जब आपके उस मुखारविंद को और आपकी हंसी को मुस्कुराहट को हम देखती हैं तब हम घायल हो जाती हैं। चौथा बाण है प्रेम वीक्षणम, जब आप प्रेम पूर्वक देखते हैं तो आपकी उस प्रेम भरी दृष्टि से हम घायल हो जाती हैं। और पांचवा बाण है बृहदुरश्रियो वीक्षधामते, लक्ष्मी के निवास स्थान रूप जहां लक्ष्मी सदा रहती है वो आपका विशाल वक्षस्थल, उसको देखकर हम घायल हुई। मन करता है हमें यहां स्थान कब मिलेगा। हे नाथ, आपका अवतार आपका प्रागट्य व्रजवासियों का दुख दूर करने हेतु और विश्व का मंगल करने हेतु हुआ है, और आप हैं कि इस प्रकार अंतर ध्यान होकर के हमें छोड़कर चले गए और हम ब्रजवासियों को दुखी कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब अपना स्वजन अपने वाला कोई बीमार हो और यदि उसके प्रति हमारा प्रेम है तो हम उसकी पथारी को छोड़कर कहीं जाते नहीं, उसके पास ही बैठे रहते हैं, बार बार पूछते रहते हैं अब कैसा है, दवाई लेने के बाद अब कैसा है, थोड़ा बाम लगा दूं, थोड़ी गरम गरम चाय पियोगे, हम बार बार पूछते रहते हैं। और तुम हो कि हम इस वक्त बड़ी बीमार हैं, प्रेम रोग में हमको प्रेम ज्वर चढ़ा है, प्रेम रूपी बुखार, हमारा पूरा शरीर तप रहा है तुम्हारे वियोग के ताप में, ना हमें नींद आती है ना हमें भोजन अच्छा लगता है, और इस वक्त तुम हमें छोड़कर दूर चले गए, इस वक्त तो तुम्हें हमारे पास होना चाहिए था, हमारी सेवा में होना चाहिए था। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशनै प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाटविम् अटसि तद्व्यथ तेन किं स्वीत् कुरपादिभिर् भ्रमतिधिर् भवदायुषां नः। सरोवर में खिले हुए ताजा कमल के समान कोमल आपके चरणों को हम धीरे धीरे डरती हुई अपनी छाती पर धारण कर रही हैं, क्योंकि आपके चरण हैं कोमल, हमारी छाती है कठोर, वाकई हमारा हृदय कठोर हो चुका है, क्योंकि हृदय संसार के भौतिक पदार्थों में इतना आसक्त कि हृदय भी कठोर हो गया, पाषाण हो गया। अब भगवान के चरणों को हृदय में धारण करने में भी संकोच होता है, डर होता है, डर लगता है कहीं हमारे कठोर छाती की उनके कोमल चरणों को चोट न लगे। ठाकुर के श्री चरण बड़े कोमल हैं, हृदय में धारण करने से पूर्व अपने हृदय को भी कोमल बनाओ, जैसे नरम नरम गद्दी होती है ना, पत्थर पर बिठाओगे ठाकुर को, नरम नरम गद्दी बिछाओ, अपने हृदय को भी नरम नरम, संत हृदय नवनीत समाना, तब ठाकुर के कोमल चरणों को हम उस हृदय में धारण कर सकते हैं। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। इस प्रकार विलाप करती हुई, प्रलाप करती हुई, गीत गाती हुई गोपियां अब जब भाव वियोग की व्यथा अधिक हो गई तब गीत भी बंद हो गया और उसके स्थान पर रुदन रुरुदुः सुस्वरं राजन्। सुखदेव जी कहते हैं राजा गोपियां सुस्वर से रोने लगी। रोते तो कहीं दिखाई देते हैं संसार में कि तो कईयों के बेटे नहीं है इसलिए रोते हैं, कईयों के पैसे नहीं है इसलिए रोते हैं, कईयों को अपमान हुआ इसलिए रोते हैं, किंतु गोपियां रो रही है तो रुदन आदर्श है, क्योंकि कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन की इच्छा से वो रो रही है और रुदन से भगवान पिघलते हैं। कबीर हंसना दूर कर रोने से कर प्रीत,
बिनु रोए कित पाइए प्रेम पिया रेमी। भगवान वहां पर प्रकट हो गए, कोटि गंधर्व कमनीय अति लावण्य शील ब्रह्मा जी ने जिनके गले में सुंदर माला धारण कराई है, वो प्रभु जब गोपांगनाओं के बीच में अचानक प्रकट हो गए तो प्रसन्न होकर गोपियां दौड़कर अपने प्रियतम के पास, कोई जाकर उनसे लिपट गई जैसे तरोवर से लता, किसी ने अपनी बांह का हार हरि के गले में डाल दिया, किसी ने श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत किया, किसी ने नैन बाण से अपने प्रियतम प्यारे को घायल करने का प्रयत्न किया, किसी ने अपने प्यारे के मुख से अर्धचर्वित तांबुल को लेकर अपने मुख में रख लिया, प्रसाद पाया, फिर तो बड़ा सुंदर संवाद हुआ है गोपियों और श्री कृष्ण के बीच में। और उसमें भगवान ने यह बताया, देखो गोपियां पूछती है कि देखो दुनिया में तीन प्रकार के लोग होते हैं प्यारे, एक तो वे जो भजने वाले को भजते हैं, दूसरे वे जो नहीं भजने वाले को भजते हैं, तीसरे वे जो भजे कि ना भजे किसी को भी नहीं भजते हैं, आप किन में हैं? कन्हैया धीरे से बोले, सखी मैं किसी में नहीं। तो बोले आप कौन है? कन्हैया बोले मैं कल्पवृक्ष हूं। कल्पवृक्ष की छाया में बैठा हुआ व्यक्ति जैसी कामना करता है वैसी उसको सिद्धि प्राप्त होती है, तुम्हारी भावना के अनुसार ही तुम्हें संयोग होता है मेरा और वियोग होता है मेरा। सखी न मैं तुमसे दूर होता हूँ न तुम्हारे पास आता हूँ, बस मैं तो केवल हूँ। तुम अपनी भावना के अनुसार ही संयोग और वियोग का अनुभव करती हो, और ये वियोग भी बिना वियोग संयोग पुष्ट नहीं होता। अतः तुम्हारे संयोग को पुष्ट करने हेतु वियोग जरूरी था, मैंने तुम पर कृपा की है। फिर रास हुआ, जल लीला और वन लीला हुई, 6 मास की रात्रि हुई, ब्रह्मादि देवता आकाश में आए थे रास लीला का दर्शन करने। ब्रह्मा जी है विधि, वे विधि निषेध को बहुत मानते हैं, कहने लगे ये ठीक नहीं हो रहा है, इस प्रकार जो भगवान धर्म के वक्ता है, करता है, अभिरक्षिता है, पराय स्त्रियों के साथ रमण करेंगे तो लोग क्या सीखेंगे, ये ठीक नहीं हो रहा है। भगवान समझ गए कि ब्रह्मा के मन में क्या विचार चल रहे हैं, इसलिए ठाकुर ने गोपियों को उसके मूल रूप में प्रकट कर दिया। अब ब्रह्मा जी ने देखा तो कृष्ण 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 के ही अनंत रूप एक दूसरे के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं रेमे रमेशो व्रज सुंदरी भी यथार्भकस्व प्रतिबिंब विभ्रमः, रमेशः रमायाः ईशः, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु व्रज सुंदरियों के साथ इस प्रकार से रमण किए जिस प्रकार दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखकर कोई बालक खेलता है। तो बालक किसी निर्दोषता इस लीला में है, और दूसरी बात यह स्पष्ट हुई कि बालक किसी गैर के साथ नहीं अपने ही प्रतिबिंब के साथ खेलता है, उसी प्रकार भगवान ने कोई पराई स्त्रियों के साथ नहीं अपने ही आत्मस्वरूपों के साथ रमण किया है। यह तो जीव और शिव की एकता की कथा है। सुखदेव जी कहते हैं राजा अलौकिक कथा को समझाने के लिए कोई अलौकिक दृष्टांत मुझे प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए केवल लौकिक दृष्टांत का आश्रय मात्र किया है मैंने, किंतु हकीकत में यह जीव शिव की एकता की कथा है, आत्मा और परमात्मा के मिलन की कथा। रास पंचाध्यायी की कथा श्रीमद् भागवत के पंच प्राण है, दशमस्कंद श्रीमद् भागवत का हृदय है, रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत के पंच प्राण है, और रास पंचाध्यायी में भी गोपी गीत श्रीमद् भागवत का सर्वोच्च शिखर है। जीव शिव की एकता ब्रह्मात्मैक्य यही भागवत का हेतु है, और रास के द्वारा वो हेतु सिद्ध हो गया। अब जो शेष कथा है उसको हम प्रणाम करेंगे। बहुत से अभी गीत तो हैं किंतु समयाभाव के कारण वो सारी कथाएं ठाकुर के चरणों में अर्पित करनी होगी। भगवान ने सुदर्शन विद्याधर का उद्धार किया, और भगवान ने केशी दैत्य और वृषभासुर का नाश किया, व्योमासुर का उद्धार किया, उसके पश्चात युगल गीत के द्वारा वियोग में भी संयोग का अनुभव करने वाली गोपियों ने अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त किया। वाम बाहु कृतवाम कपोलो वलगित भ्रूहु अधरार्पित वेणुम कोमलांगुलिभिः आश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंदः। अब कंस के भेजे हुए अक्रूर जी पधारे गोकुल में,
और 11 वर्ष और 52 दिवस के बाद भगवान ब्रजवासियों को वियोग के अश्रु की संपत्ति का दान करके अक्रूर जी के साथ मथुरा पधारे। मथुरा में जब नगर दर्शन के लिए प्रभु निकले तो धोबी का उद्धार किया, सुदामा नाम के माली पर भगवान ने अनुग्रह किया। कुब्जा चंदन लेकर जा रही थी कंस को देने, प्रभु ने उससे चंदन मांगा, उसने चंदन किया और वंदन किया, प्रभु ने उस कुबरी को सुंदर बनाया। कुब्जा बुद्धि स्वरूपा है, बुद्धि जब भगवान को समर्पित होती है तो वाकई बुद्धि सुंदर है, जब तक बुद्धि कंस यानी अभिमान के अधीन है तब तक बुद्धि कुबरी है। मथुरा के व्यापारजीवी, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी सभी वर्ग के लोगों ने भगवान का स्वागत किया। मथुरा में भगवान ने धनुष यज्ञ का धनुष भंग किया और उसके पश्चात भगवान ने दूसरे दिन अखाड़े में मल्ल युद्ध का आयोजन किया गया था तो प्रभु ने वहां पधार करके कुबलिया पिढ़ाथी का उद्धार किया, महावत का उद्धार किया, शल तोशल और चाणूर मुष्टिक आदि मल्लों को प्रभु ने तारा और उसके पश्चात कंस जो 12 साल से भय पूर्वक भगवान का भजन कर रहा था, कोई भी साधना लगातार नियम पूर्वक 12 वर्ष करी जाए तो फिर सिद्धि प्राप्त होती है। आज कंस को भी सिद्धि प्राप्त हुई, भगवान के द्वारा कंस का उद्धार हुआ। कंस के भाइयों का उद्धार दाऊजी महाराज ने किया, प्रभु ने मात पिता को कारागृह से मुक्त किया, उग्रसेन महाराज को हस्तिनापुर मथुरा की राजगादी पर बिठाया, उसके पश्चात प्रभु उज्जैन में संदीपनी ऋषि के आश्रम में विद्याभ्यास हेतु गए। 64 दीप में 64 कला और सर्व विद्या को प्राप्त करके गुरु पत्नी को गुरु दक्षिणा में उसका मृत गुरुपुत्र ला करके दिया। कृष्णदाव पधारे मथुरा। किसी समय मथुरा में जब ठाकुर जी का जन्म नक्षत्र था और उत्सव हो रहा था, सारी नगरी आनंद मग्न थी, उस वक्त कन्हैया रो रहे थे। ये देख करके जब उद्धव जी ने अश्रु का कारण पूछा, रुदन का कारण पूछा, और जब श्री कृष्ण ने बताया, उद्धव मैं रो नहीं रहा हूँ, मुझे कोई रुला रहा है, कौन? बोले गोपियों की याद, बाबा नंद का स्नेह, माँ यशोदा का वात्सल्य, मेरी गाय मुझे याद आ रही है। उद्धव जी बृहस्पति के ज्ञानी शिष्य है, देवभाग के पुत्र है, ज्ञानोपदेश करने लगे, संयोग वियोग के द्वंद्व को मिथ्या बतलाने लगे। भगवान ने सोचा इस ज्ञानी को कैसे समझाऊं कि ये प्रेम की बात है, भगवान चाहते हैं ये ज्ञानी कहीं कोरा ज्ञानी ना रह जाए, इसका ज्ञान भक्ति के रंग से रंगना चाहिए और इसको प्रेम भक्ति की दीक्षा देने में गोपी ही समर्थ है। अतः भगवान ने उद्धव को भेजा है अपना प्रतिनिधि बना करके गोकुल में। कहा तो ये कि जाओ ये उपदेश तुम गोपियों को करो, क्योंकि वे बड़ी बेचैन हैं, मेरे वियोग में बड़ी दुखी है, जाकर तुम ये उपदेश उन्हें करो। अब इतने बड़े ज्ञानी को तो ये कैसे कहे कि अरे बिल्कुल कोरा है तू, जा जा मेरी गोपियों के पास, थोड़ी प्रेम भक्ति की दीक्षा ले आ। तब तो ज्ञानी के ईगो को चोट पहुंचेगी। इसलिए भगवान ने कहा, प्यारे उद्धव आप तो बड़े ज्ञानी हैं, जाओ और गोपियों को समझाओ, मुझसे भी ज्यादा मेरे वियोग में वे दुखी हैं। तो उद्धव जी गया, अभिमान के साथ गए, उसमें क्या बड़ी बात है, अभी जाता हूँ वृंदावन और देखता हूँ कैसा है, मजबूत है वो अनुराग का बंधन है, कैसी गोपियाँ वे जो ज्ञान बल को कम बताती है और बस विरह के वियोग में बांसु बहाती हुई सदा ये गान गाती है कि वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। बोले ठहर जा, मेरा पीताम्बर लेकर जा, मेरा पीताम्बर पहनकर जाना, वरना गोपियां तेरे साथ बात नहीं करेगी। और वही सुवर्ण रथ जिसमें अक्रूर लेने गए थे कृष्णदाव को, उद्धव को उसी में भेजा। और जब उद्धव वहां जाते हैं, गोपियों की प्रेम मगन दशा को देखते हैं, महाराज क्या कहे, घर पहुंचे उद्धव जिस जगह था गोपियों का मंडल, वहां थी वायु धीमी, वहां थी शांत पृथ्वी, वायु धीमी और व्योम था निर्मल, सहस्रों गोपियों के मध्य में श्री राधिका रानी, सहस्रों गोपियों के मध्य में श्री राधिका रानी, और सभी के मुंह से रह रह कर निकलती थी यही बानी, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। बोल प्यारे प्यारे हैं बाल घुंघर वाले हैं, बोल
प्यारे प्यारे हैं, वाले हैं। नैना कचरा रहे हैं वो ही मेरे श्याम हैं, नैना कचरा रहे हैं वही मेरे वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। तम दृष्ट्वा कृष्णानुचरम व्रजस्त्रियः, देखा जब गोपियों ने इस कृष्ण के अनुचर को, सोचने लगी अरे ये तो बिल्कुल हमारे प्रियतम जैसा ही है, वही श्याम वर्ण, वही पीतांबर, वही वनमाला, वही आजानुबाहु, वही कमललोचन, वही मकराकृत कुंडल, कस्याच्युत वेशभूषण, कौन है ये? तो एक सखी ने श्री राधा से कहा, किशोरी जू वो तो उनके दूत आए हैं। दूसरी बोली, हाँ वो तो अब मथुराधीश हो गए, वो क्यों आएंगे, वो तो बड़े हो गए ना, अब तो दूत को ही भेज देंगे। तो राधा जी बोली, दूत कहाँ है, दूत कौन दूत? ऐसे में एक भंवरा गुनगुनाता हुआ वहां आया, जय हो, मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगमं प्रियप्रस्थापितं दूतं कल्पयद्वेदम अब्रवीत। उस भ्रमर को ही प्रिय के द्वारा प्रेषित दूत समझ करके गीत गाया गोपियों ने, यह है भ्रमर गीत। दो श्लोक गाएं, मधुपकितव बंधो मा स्पृशांग्रिं सपत्न्याः, कुच विलुलितमाला कुंकमश्मश्रुभिर्नः, वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं, यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीन्द्रिक्, मधुपकितव बन्धो मा स्पृशाङ्घ्रिं सपत्न्या। मधुप 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 मधुप, मधु पीने वाले ए भंवरे, या तो मधुप मद्य पिया है क्या, पी रखी है, नशे में हो क्या, क्या गुनगुन कर रहे हो? कितव बंधो, कपटी के मित्र, प्रेम भरे गुस्से में आकर श्री कृष्ण को कपटी कहा है, वो बड़े कपटी है और तुम उसके मित्र हो। और सख्य तो समान के बीच में होता है ना, मैत्री समान के बीच में होती है, तो तुम भी वही हो। तो सीधे ही उद्धव को कपटी नहीं कहा, किंतु कपटी का मित्र कहकर के उद्धव को भी गाली तो सुना ही दिया। मास प्रशांग्रिम, हमारे चरण को छूना मत, मनाने आया है, हमको समझाने आया है, हमारे चरण को पकड़ रहा है, अरे हट दूर, क्योंकि मथुरा में जो हमारी सौतने हैं उनके गले की पुष्पमाला पर बैठकर तू आया है, इसलिए तेरे पग पर उन फूल मालाओं का पराग लगा हुआ है, यदि तू हमारे चरण को स्पर्श करे और वो पराग हम पर पड़ेगा तो हमसे सहन नहीं होगा, चला जा यहां से, चला जा, हम तुझको भी जानती हैं और जिसने तुझको भेजा है उसको भी जानती। सकृदधर सुधाम स्वाम मोहिनीं पायित्वा, सुमनसैव सद्यः त्यत्यजेस्मान् भवाद्रिक्। वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं, यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीन्द्रिक्।
भ्रमर, तेरा प्रेम किसी एक फूल पर स्थिर नहीं है। तू एक फूल पर बैठता है, उसके रस को लूटता है। वो फूल समझता है कि तू उसको चाहता है, किंतु नहीं नहीं हकीकत में फूल तुझे चाहता है, तू फूल को नहीं। क्योंकि यदि तू फूल को चाहता होता तो फिर उस फूल को छोड़कर जाता क्यों? एक फूल को छोड़कर दूसरे फूलों पर, वहां से तीसरे पर, वहां से चौथे पर। जिन्होंने तुझे भेजा है वो भी ऐसा ही है। कल तक हमसे प्रेम कर रहा था, आज हमको छोड़कर मथुरा चला गया, और कल मथुरा को भी छोड़ करके फिर कहीं तीसरे स्थान पर चला जाएगा। उस चंचल मना, उस भ्रमर मना को छोड़कर लक्ष्मी चली क्यों नहीं जाती, हमें आश्चर्य हो रहा है। किंतु जिस प्रकार अब हम भी उसकी कथा को, उसकी लीला को, उसके दर्शन को पाकर के हरितचेता हो गई है, उसने हमारे चित्त को चुरा लिया है, बस उसी प्रकार लक्ष्मी भी हरितचेता हो गई होगी। इसलिए वो बेचारी छोड़कर जाए तो भी कैसे जाए, क्या गुनगुनगुन कर रहा है रे भवरे, उनकी कथा सुना रहा है, उनकी लीलाओं को गा रहा है, तो बंद कर, क्योंकि उनकी लीलाओं में कोई दम नहीं है। प्रत्येक लीला कपट की ही है। वो छलिया वामन बनकर के गए बलि के पास, लेते समय, मांगते समय वामन थे और लेते समय हो गए विराट, ये कपट नहीं है तो और क्या। बलि ने तो उस छोटे से बालक को देखकर तीन पग पृथ्वी कबूल किया था। और रामावतार में वो बेचारी शूर्पणखा रावण की बहन उनके सौंदर्य में मोहित होकर के आई कि मेरा पाणी ग्रहण करो। अरे शादी नहीं करनी थी तो ना सही, नाक कान थोड़ी काटे जाते हैं, किसी स्त्री के साथ ऐसा सुलूक किया जाता। वो बेचारी प्रेम में पागल होकर आई तो आई, नहीं करनी थी शादी तो मना कर देते, नाक कान काटे, ये भी कोई बात हुई। और वो वाली तो लड़ रहा था अपने भाई सुग्रीव के साथ, और रामावतार में इन्होंने वृक्ष के पीछे छुप करके शिकारी की भांति वाली को मारा। अब ऐसी ही कपट की जहां कथा है, वो सुनकर क्या होगा, सुनने वाले कपट करना ही सीखेंगे कि और कुछ, इससे तो दुनिया में कपट ही बढ़ेगा। इसलिए बंद करो, बंद करो भ्रमर, ये कथा बंद करो। बहुत लोगों को समझाया और उल्लू बनाया तुम लोगों ने, कथा के नाम पर लोगों को कपट करना सिखाते हो। लगता है तुम भी घूस खाए हुए लोग, रिश्वतखोर हो। उन्होंने तुमको मुक्ति की घूस देकर के ये कहा है, गांव गांव जाओ, तीर्थों में घूमो और ऐसी कथा सुनाओ मेरी कि लोगों को मुझ में प्रेम हो जाए। और मुक्ति की घूस खाकर तुम लोग गांव गांव जाते हो, कथा सुनाते हो, लोगों का उनमें प्रेम कराते हो, फिर तुम तो दक्षिणा लेकर चले जाते हो, लेकिन लोगों की दशा क्या होती वो देखने तुम कहां आते हो। न घर के रहते हैं, न वो मिल पाते हैं, इसलिए चले जाओ, चले जाओ यहां से भंवर, चले जाओ, हमें नहीं चाहिए। अरे हम तो सोए हुए थे ओढ़े कफन मजार में, हम तो सोए हुए थे ओढ़े कफन मजार में, यहाँ भी सताने आ गए, ये यहाँ भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया यहाँ भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया, बिजली चमक के गिर पड़ी, सारा कफन जला दिया, बिजली चमक के गिर पड़ी, सारा कफन जला दिया, यहाँ भी सताने आ गए। छुप कर बैठे थे चैन से अपने में परेशान, गुनहगारों में शामिल है, एक शेर सुनो बड़ा प्यारा, गुनहगारों में शामिल है, अपराधियों की लाइन में खड़े कर दिए गए हैं हम, गुनहगारों में शामिल है, गुनाहों से नहीं वाकिफ, हमारी गलती क्या है ये पता नहीं हम, और हम अपराधियों की पंक्ति में खड़े कर दिए गए हैं। गुनहगारों में शामिल है, गुनाहों से नहीं वाकिफ, सजा तो जानते हैं लेकिन
खुदा जाने खता क्या है। सजा तो जानते हैं लेकिन खुदा जाने खता क्या है। यहाँ भी सताने आ गए, ओ यहाँ भी सताने आ गए, ये यहाँ भी सताने आ गए, ओ यहाँ भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया यहाँ भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया यहाँ भी सताने आ गए। आए थे उद्धव ज्ञानोपदेश करने कुछ देने, लेकिन कहती हैं ये ब्रज की गोपी की पागल, यहाँ तो परमात्मा तेरा आता है तो वो भी हमको कुछ दे नहीं सकता, हम ही उसको कुछ देकर लौटाती है। वो हमारा प्रेम पाकर के यहां से गया, हम ब्रजवासी हैं, हम देना जानते हैं, क्योंकि ये प्रेम की नगरी है और प्रेम में देकर कोई प्रसन्न होता है। तू क्या हमको देगा पागल, तू कुछ ले जा हमसे, तेरे ज्ञान की गठरी को रख अपने पास, हो सके तो फेंक दे। प्रेम भक्ति की दीक्षा देकर के उद्धव को विदा किया। भ्रमर गीत कुछ और नहीं, गोपियों के द्वारा उद्धव जी को दी गई प्रेम भक्ति की दीक्षा, और दीक्षा पाकर अपनी सदगुरु रूप उस गोपी को प्रणाम करके उद्धव ने कहना पड़ा, अहो यूयम स्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवतिं यासामित्यर्पितं मनः दान व्रत तपो होम जपस्वाध्याय संयमैः श्रेयोभिर्विविधैश्चान्यैः कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते। ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों में कोई गौण नहीं है, तीनों मुख्य है। भगवान कुब्जा के घर गए, मथुरा में प्रभु अक्रूर के घर पधारे, उन पर अनुग्रह किया। पांडु राजा के स्वर्गवास के पश्चात कुंता और पांडवों को आश्वस्त करने हेतु अक्रूर को हस्तिनापुर भेजा। ये सब कथा दशमस्कंद पूर्वार्ध में है। उत्तरार्ध में जरासंध का आगमन होता है। पूर्वार्ध की कथा 49 अध्यायों में पूर्ण होती है। जीवन का पूर्वार्ध भी 49 वर्षों में पूर्ण होता है, और जैसे ही जीवन में 50वां वर्ष लगता है तो जीवन का भी उत्तरार्ध शुरू हो जाता है। अब जरासंध आता है आक्रमण करने। जरा मतलब वृद्धावस्था, अब धीरे धीरे वृद्धावस्था हमला बोलेगी। भगवान ने यादवों की सेना को तैयार करके जरासंध के साथ युद्ध किया। जरासंध के 23 अक्षौहिणी सैन्य को समाप्त किया, और दाऊजी महाराज जब मल्ल युद्ध कर रहे थे जरासंध के साथ, तो कन्हैया ने कहा, दाऊ दादा इसको छोड़ दो, इसको छोड़ देंगे तो फिर से वो सेना एकत्र करके आएगा और हम उसकी सेना को मिटाते रहेंगे और इस प्रकार पृथ्वी के भार को कम करते रहेंगे। इसी तरह 17 बार जरासंध आया, 17 बार पराजित होकर वह गया, 18वीं बार वह आ रहा था। दरमियान कालयवन ने आकर के मथुरा को घेर लिया। भगवान ने सोचा, जरा माने वृद्धावस्था और काल माने मृत्यु, दोनों आकर के एक साथ हमला करे तो फिर स्थानांतर करना जरूरी होता है, एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में। इसलिए मथुरा से द्वारका में भगवान की आज्ञा से विश्वकर्मा ने द्वारका नगरी बनाई। भगवान ने अपनी योग माया के बल से यादवों को वहां पहुंचाया, और उसके पश्चात मुचुकुंद महाराज के द्वारा कालयवन का उद्धार कराया। मुचुकुंद पर भगवान ने अनुग्रह किया, जरासंध को छल करके दोनों भाई द्वारका पहुंचे। द्वारका पहुंचने के पश्चात दाऊजी महाराज का विवाह रैवत राजा की पुत्री रेवती के साथ संपन्न हुआ, और उसके पश्चात भगवान द्वारकानाथ श्री कृष्ण ने राक्षस विधि से विदर्भराज कन्या भीष्मक पुत्री रुक्मिणी का पाणी ग्रहण किया। राक्षस विधि का अर्थ है जिसमें अपहरण किया जाए कन्या का, और अपहरण करने में शौर्य चाहिए, बल चाहिए, किंतु केवल भगवान ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करने हेतु ही रुक्मिणी का हरण नहीं किया है। देवर्षि नारद से श्री कृष्ण की कथा सुनकर के रुक्मिणी का मन श्री कृष्ण में लग गया था, अतः वह शिशुपाल के साथ बरना नहीं चाहती थी। उसने प्रेम पत्र एक भूदेव के साथ वासुदेव को भेजा और प्रार्थना करी, शिशुपाल मेरे शरीर को स्पर्श न करे, आप यहां आकर के सब राजाओं को परास्त करके मेरा हरण करके ले जाइए, मैं आपकी हूं, यदि आप नहीं आए तो मैं
कृच्छ चांद्रायण आदि व्रतों को करके अपने काया को खत्म कर दूंगी, समाप्त कर दूंगी, किंतु जो मन से आपकी हो चुकी है वो अब अन्य की नहीं हो सकती। रुक्मिणी के उस अनन्य प्रेम को देखकर भगवान जाते हैं कुंडिनपुर और सभी को परास्त करके रुक्मिणी को ले आते हैं। कृष्ण और रुक्मिणी के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न महाराज साक्षात कामदेव है, उन्होंने शमरासुर का नाश किया, शमरासुर भी कामरूप है। दो अध्याय में सिमंत गोपाख्यान सुनाया और भगवान के दो विवाह की कथा सुनाया सुखदेव जी ने। सत्राजित यादव की पुत्री सत्यभामा और जाम्बवान की पुत्री जाम्बवती के साथ प्रभु ने विवाह किया। सूर्यतनया कालिंदी प्रभु की शरण में गई और प्रभु पत्नी बनी। सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा और मित्रविंदा ये भगवान की पटरानी हुई। ये अष्ट पटरानी हैं, अष्टधा प्रकृति पटरानी बनकर के प्रभु की सेवा में उपस्थित होती है। जीव प्रकृति के अधीन है, प्रकृति परमात्मा के अधीन है। मृदैत्य को भगवान ने मारा, मुरारी कहलाए, भौमासुर को मारकर भौमासुर ने कैद किए हुए 16,100 कन्याओं को भगवान ने मुक्त किया, वे सब भगवान को बरी। ये क्या है? बोले वेदों के उपासना कांड की 16,100 श्रुतियां हैं। उन श्रुतियों को जब कोई असुर ले जाता है, देखिए, तब भक्ति मार्ग में भोग के कारण पतन होता है, ज्ञान मार्ग में जब पतन होता है तो कोई नास्तिक हो जाता है, योग मार्ग में जब पतन होता है तो कोई रोगी बनता है, भक्ति मार्ग में पतन होता है तो कोई भोगी बनता है। इसलिए असुर या आसुरी वृत्ति वाले लोगों के कब्जे में उपासना कांड की श्रुतियां नहीं रहनी चाहिए। अतः भगवान ने भौमासुर का नाश किया, वे सब श्रुतियां भगवान की पत्नी बनी। इस प्रकार 16,108 नारी के श्री हरि स्वामी बने, सबके 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री है। भगवान इंद्र को पराजित करके पारिजात वृक्ष ले आए, ये कथा है। एक बार रुक्मिणी ने सोचा कि सबके घर में भगवान विराजते हैं, ये रुक्मिणी को पता नहीं, उसको ये लगा मेरे घर में ही विराजते हैं, भले ही 16,108 है लेकिन मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, ये मेरे ही महल में पड़े रहते हैं, मुझे छोड़कर कहीं जाते ही नहीं। भगवान ने प्रणय कलह के द्वारा रुक्मिणी के अभिमान को दूर किया और भगवान ने स्नेह गांठ को मजबूत बनाया, ये कथा सुनाया। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न महाराज का विवाह अपने मामा रुक्मी की पुत्री के साथ हुआ। प्रद्युम्न के अनिरुद्ध हुए और अनिरुद्ध का विवाह रुक्मी की पौत्री के साथ हुआ। यादव सब बारात लेकर गए थे कुंडिनपुर और वहां समधी आपस में जुआ खेलने बैठे, दाऊजी महाराज और रुक्मी, तो द्युत खेलते खेलते हो गया झगड़ा, तो दाऊजी महाराज ने रुक्मी का उद्धार कर दिया, वहां लग्न के मंडप में समधी को खत्म कर दिया। भगवान चुप हो गए, भला बुरा कुछ बोले ही नहीं, क्योंकि बहुत अच्छा हुआ ये कहते तो पत्नी रुठती कि मेरा भाई मर गया, अच्छा हुआ क्या, और बहुत खराब हुआ ये कहते तो बड़े भैया नाराज हो जाते कि वो मुझे अंट संट गाली बक रहा था, उसको मैंने मारा तो क्या बुरा किया। इसलिए भगवान ने मौन रह करके इस समस्या का समाधान ढूंढा। अनिरुद्ध महाराज का दूसरा विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ हुआ। यहां पर अब बाणासुर शिव भक्त है, तो बाणासुर के साथ जब भगवान का युद्ध हुआ तो शिव जी बाणासुर के पक्ष में आए और शिव और कृष्ण आमने सामने हो गए। ऐसा नाटक हुआ महाराज, जो एक दूसरे के प्रेमी हैं, एक दूसरे के इष्ट हैं, एक दूसरे के स्वामी हैं, वे आमने सामने लड़ाई कर रहे हैं। इस नाटक की स्क्रिप्ट को लिखने वाले नारद जी थे, पर नारद जी ऐसा ही नाटक लिखते हैं हमेशा। यहां पर शिवज्वरद्वर के द्वारा भगवान द्वारकानाथ की स्तुति हुई है, ये कथा है। और कहते हैं कि यदि बुखार उतरता न हो तो इस मंत्र से अनुष्ठान करो तो बुखार चला जाएगा। शिवज्वर ने जिन शब्दों में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति किया है। दाऊजी महाराज पधारे हैं गोकुल, ब्रजवासियों को आनंद दिया है, द्विविध नाम के वानर का उद्धार किया है, ये सब कथा सुनाया, पौंडरक का उद्धार किया, काशीराज का उद्धार किया, सुदर्शन से वाराणसी दहन किया, ये सब कथा सुनाया है। और उसके पश्चात महाराज एक बार देवर्षि नारद के मन में ये बात आई कि 16,108 नारी के स्वामी श्री कृष्ण सबको राजी कैसे रखते होंगे, सभी के घर में एक एक दिन रहेंगे तो भी अंतिम माता जी की बारी कितने साल के बाद आएगी, बेचारी प्रतीक्षा करते करते बूढ़ी हो जाएगी, अब तो बाल सफ़ेद होने लगते हैं, हेयर डाई करें क्या, अभी तक वो नहीं आए। तो देवर्षि नारद भगवान की गृहचर्या देखने के लिए आ गए, किंतु नारद जी ये देखकर चकित भए कि जिस भी घर में गए तो वहां उन्होंने भगवान को पाया। रुक्मिणी के महल में, सत्यभामा के महल में गए तो, जाम्बवती के महल में गए तो, सभी महल में ठाकुर जी को उन्होंने पाया। कहीं तो भगवान संध्या कर रहे हैं,
कहीं भगवान ध्यान में बैठे, कहीं भगवान ऋषियों की पूजा कर रहे हैं, कहीं भगवान याचकों को दान दे रहे हैं। किसी घर में देखा तो भगवान पत्नी के साथ बैठ कर के गृह चर्चा कर रहे थे, कहीं पर बैठ कर भगवान अपने बच्चों के पास बैठ कर उनको अच्छी अच्छी स्टोरी कह सुनाते थे, पापा स्टोरी सुनाओ ना, तो बच्चे आसपास बैठ जाते थे और ठाकुर जी अपने बच्चों में अच्छी अच्छी कहानियां सुना करके सदसंस्कार का सिंचन करते। माँ बाप सिखाते थे, माँ बाप से संस्कार मिलते थे। अब तक आजकल टीवी से मिलने लगा है संस्कार, माँ बाप के पास समय ही नहीं अपने बच्चों के पास बैठने का, टीवी ऑन करके टीवी के पास खड़ा कर देते हैं बच्चों को, तो टीवी से जो संस्कार मिलता है वही बच्चों में आता। देवर्षि नारद ने प्रत्येक घर में भगवान को देखा, प्रसन्न होकर भगवान की लीला को वंदन करके नारद जी गए। अब पांडवों के राजसूय यज्ञ की निमंत्रण पत्रिका लेकर एक बार नारद जी आए द्वारका में। उसी वक्त जरासंध ने कैद किया था जिन राजाओं को, उन राजाओं का दूत आया भगवान उद्धव जी के कहने पर अपने बेटे प्रद्युम्न को द्वारका की रक्षा में छोड़कर इंद्रप्रस्थ पधारे पांडवों के यज्ञ में। धर्मराज युधिष्ठिर ने चारों भाइयों को चारों दिशाओं में दिग्विजय करने हेतु भेजा, वे दिग्विजय करके आए किंतु जरासंध अपराजित था, सो भगवान ने भीमसेन के द्वारा जरासंध का उद्धार कराया। जरासंध पुत्र सहदेव को राज्यगादी पर बिठाया और भगवान ने पांडवों के राजसु यज्ञ को सुसंपन्न कराया। इस यज्ञ में दुर्योधन का तेजोवध हुआ। इस यज्ञ में भगवान ने झूठी पतले उठा करके अपनी सरलता और भक्तवत्सलता का दर्शन कराया। इस यज्ञ में अग्रपूजा श्री कृष्ण की होगी, ये जब निर्णय किया गया, शिशुपाल से सहा नहीं गया, द्वेष में जलता हुआ वह कृष्ण को गाली सुनाने लगा और गालियां जब 100 से ऊपर गई, भगवान ने चक्र छोड़कर शिशुपाल का उद्धार किया। शिशुपाल मित्र शाल्व ने शंकर से प्रार्थना करके सौभ नाम का विमान प्राप्त किया, द्वारका पर आक्रमण किया। द्वारका की रक्षा में लड़ते हुए प्रद्युम्न जी घायल हुए। ठीक ऐन मौके पर भगवान पांडवों के राजसु यज्ञ को सुसंपन्न करके द्वारका पधार गए और बेटे को शाबाशी देते हुए कि वाह मेरे वीर पुत्र, तूने अच्छी तरह युद्ध किया। भगवान ने बागडोर अपने हाथ में ले लिया युद्ध की और भगवान ने युद्ध करते हुए शाल्व की माया का नाश किया, शाल्व के विमान का नाश किया और शाल्व को भी मारा। उसके पश्चात भगवान ने दंतवक्त्र और विदुरथ को मारा। अब तो कौरव पांडवों में कुरुक्षेत्र के युद्ध की तैयारी हुई। दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान की सहायता के लिए आए। भगवान ने कह दिया एक पक्ष में मैं निशस्त्र अकेला रहूंगा, दूसरे पक्ष में मेरी नारायणी सेना रहेगी। अर्जुन तुम छोटे हो, नीति कहती है छोटा जो मांगे उसको पहले दिया जाना चाहिए, मांगो तुम क्या चाहते हो। तो अर्जुन ने निशस्त्र श्री कृष्ण को ही मांगा। दुर्योधन भी प्रसन्न हो गया कि नारायणी सेना मिल गई, ये अकेले और निशस्त्र, क्या पूजा के लिए इनको बुलाना था। लेकिन दाऊजी महाराज ने सोचा कि मैं क्या करूं, दुर्योधन के पक्ष में जाऊंगा तो पांडव बुरा मान लेंगे, पांडव पक्ष में जाऊंगा दुर्योधन बुरा मान लेगा। कन्हैया बोले दाऊ दादा आप तीर्थ यात्रा करने जाओ। दाऊ जी तीर्थयात्रा करने निकल पड़े। नैमिषारण्य में उनके द्वारा बलबल का नाश हुआ, सुत का शिर छेद हुआ, उसके प्रायश्चित के लिए ऋषियों ने यज्ञ कराया। तो कथा सुनकर के परीक्षित महाराज मन में सोचने लगे कि क्या मेरे ठाकुर के चरित्र पूरे हो गए। नहीं नहीं नहीं, अभी कथा पूरी पूरी नहीं सुनाया महाराज, भागे जा रहे हो, थोड़ी कंजूसी कर रहे हो, ऐसा मत करो, ठाकुर की कुछ और चरित्र भी सुनाओ। सुखदेव जी बोले राजा तुझे तो तृप्ति हो ही नहीं रही है और मेरे घड़ी की सुई इतनी आगे बढ़ती जा रही है, क्या सुनना चाहता है। बोले भगवान के सख्य की कथा। हाँ बोले ये बात है, कृष्णस्यासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुत्क्षामा च तथा विधा सुदामा। अब इसका रहस्य थोड़ा समझ लो, सुदामा श्री कृष्ण के सखा है। सुदामा कौन है? दाम यानी रस्सी, रस्सी माने गुण, प्रकृति के गुणों से मजबूत बंधा हुआ, मजबूती से बंधा हुआ जो जीव है वही है सुदामा। और जीव और कृष्ण यानी भगवान ये दोनों सखा है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, ये उपनिषद का वचन है। अब वो भगवान से अलग होकर जब जी रहा है, बड़ी दरिद्रता है, सुदामा की पत्नी जो है बड़ी दुखी है। पत्नी ने सुदामा को प्रेरित किया श्री कृष्ण दर्शन के लिए। ये पत्नी कल्याणी है, कौन है? बोले सुबुद्धि जो है ना वही पत्नी है, आत्मा पति है, सुबुद्धि पत्नी है और सुबुद्धि कल्याणकारी होती है और सुबुद्धि से ही प्रेरित होकर के जीव भगवान के दर्शन के लिए जाता है। भगवान ने भेजा है संसार में तो कोई कमाई करी है क्या, खाली हाथ थोड़ी जाएंगे,
कुछ था नहीं तो पत्नी पड़ोस से ले आई चार मुट्ठी चिवड़ा, उसको एक वस्त्र में बांध करके सुदाम देव चले। यह है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए हमें मानव जीवन मिला है। जब गए सुदामा, देखो भगवान तो युगों से प्रतीक्षा करते हैं जीव की। जब आगमन का समाचार सुना कि आया है मेरा प्यारा जीव, मेरा सखा मुझे मिलने, तो प्रभु दौड़ कर बाहर आए, सुदामा को हृदय से लगाए, अपने आसन पर बैठाए। भगवान ने सुदामा देव की पूजा किया और जो कुछ भी लाया है, थोड़ा ही सही, चिवड़ा ही सही, किंतु प्रभु प्रेम पूर्वक छीन लेते हैं वो गठरी, और जैसे ही गठरी को खोला तो चिवड़ा बिखर गया। ठाकुर ने इकट्ठा किया और एक मुट्ठी भर करके खाया, अपने समान समृद्धि वहां पर दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाया, पूरी नगरी बना दिया, सुदामा पूरी हो गई। झोंपड़े की जहां बात नहीं थी, वहां पूरी की पूरी पूरी बन गई, सुदामा पूरी। और तीसरी मुट्ठी यदि खाते तो लक्ष्मी को वहां दासी बना करके सेवा में भेजते, तो वो लक्ष्मी रुक्मिणी बनकर के आई है आज, तो उसने हाथ पकड़ लिया। भगवान बोले, बस गई ना जात पर, आ गई ना बीच में, दे रहा हूं मैं, तो बीच में क्यों आई? तुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि रुक्मिणी, तेरा मेरे साथ विवाह हुआ, तेरा मेरा मिलन कराने में ब्राह्मण ही कारणभूत है। यदि वो ब्राह्मण तेरा प्रेम पत्र लेकर मेरे पास ना आता तो मैं आकर तेरा हरण न करता, तो तुझे मेरी प्राप्ति हुई ब्राह्मण के चलते, और आज एक ब्राह्मण को मैं दे रहा हूं तो बीच में आ रही है, लज्जा आनी चाहिए। रुक्मिणी बोली, नहीं नहीं नाथ, मैं उस ब्राह्मण के उपकार को कैसे भूल सकती हूं, किंतु आपने जो संपत्ति दे दिया, भले ही दे दिया, मुझे मत भेजिए। क्यों? बोले, मैं जहां जाती हूं लोग अभिमान में अंधे हो जाते, और मैं नहीं चाहता कि आपका भक्त अंधा हो जाए मेरे चलते, और अभिमान के कारण उसका पतन हो। भगवान बोले, वारे महालक्ष्मी, तेरी तो अकल गजब की है, चलो माना भाई। रुक्मिणी बोली, हां ब्राह्मण ने मेरा काम किया है, इसलिए ब्राह्मण पर मैं इतनी तो प्रसन्न रहूंगी, उसकी पूर्ति अधूरी नहीं रही, उसकी जो आवश्यकता है जीवन की उसकी अपूर्ति नहीं होगी, किंतु वो जो भी चाहेगा, जो भी मांगेगा, वो उसको मिलेगा भी नहीं, और इस प्रकार मैं ब्राह्मण पर अनुग्रह ही करूंगी। सुदामा को तो भगवान का दर्शन चाहिए था, इसलिए भगवान ने सुदामा को दर्शन ही दिया, और सुदामा की पत्नी को चाहिए थी संपत्ति, इसलिए भगवान ने संपत्ति वहां सुदाम देव की पत्नी को दिया। एक कथा ऐसी है कि जब सुदामा चलने लगे तो भगवान ने सुदाम देव की वो फटी हुई धोती थी उसको वापस दे दिया और अपना पीताम्बर उतरवा लिया कि मित्र, तुमने ये जो धारण किया पीताम्बर, वो तो मेरा है, वो तो देकर जाओ, ये रही वो तुम्हारी फटी पुरानी धोती। किंतु भगवान ने सुदाम देव की पादुका सुदाम देव को नहीं दिया। पत्नियों ने पूछा, तो फिर पादुका क्यों नहीं दिया? भगवान बोले, मैं चाहता हूं सुदामा नंगे पांव मेरी नगरी से जाए। क्यों? बोले, व्रज की रज को तो मैंने पवित्र किया, लेकिन मेरी द्वारका की रज को तो सुदाम देव पवित्र करेगा। वो नंगे पांव जाएगा यहां से, सुदामा के चरण के स्पर्श से मेरी द्वारका पवित्र हो जाएगी, द्वारका धन्य हो जाएगी, ऐसा पवित्र संतोषी तपस्वी ब्राह्मण नहीं देखा। भगवान के सख्य की कथा। श्री कृष्ण सखा मानते हैं सुदामा को, लेकिन सुदामा तो अपने आप को श्री कृष्ण का दास ही बताते। उसके पश्चात सूर्य ग्रहण के प्रसंग में कुरुक्षेत्र में सब गए तीर्थ यात्रा के लिए। वहां पर वसुदेव जी ने यज्ञोत्सव किया, यज्ञ में पधारे हुए ऋषि मुनियों ने भगवान की स्तुति किया। ये सुनकर के देवकी ने भगवान से अपने मृत पुत्र मांगे, भगवान ने मैया देवकी को मृत पुत्र ला करके दिया। एक अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज ने सुभद्रा हरण की कथा सुनाया। सुभद्रा कल्याण करने वाली भक्ति स्वरूपा है, और जो सरल है, जिसका हृदय रुजु है, वही अर्जुन है, और अर्जुन को सुभद्रा की प्राप्ति हुई है भगवान की सहायता से। भगवत भक्ति पुरुषार्थ से नहीं मिलती, भगवत भक्ति अनुग्रह से प्राप्त होती है। बहुलाश्व राजा और श्रुतदेव ब्राह्मण के घर भगवान एक साथ पधारे, राजा और रंक का भगवान में भेद नहीं है, ये बताया गया। उसके पश्चात
वेद स्तुति का वर्णन है। वेद भगवान के निर्गुण सगुण दोनों स्वरूपों का प्रतिपादन करते हैं। शिव और विष्णु के स्वभाव का वैलक्षण्य बताया गया है। भृगु महाराज ने तीनों देवताओं की परीक्षा करके विष्णु सर्वश्रेष्ठ है ये प्रतिपादित किया, ये कथा सुनाया है। एक अध्याय में मंत्र मूर्ति और माला को न बदलें, ये सिद्धांत समझाया गया है। श्री कृष्ण लीला का संक्षेप में वर्णन करके कृष्ण पत्नियों के द्वारा जिस प्रकार श्री कृष्ण की सेवा होती थी उसका वर्णन किया गया है। घर में नौकर चाकर दास दासी होते हुए भी पत्नियां नौकरों से अपने पति की सेवा नहीं करवाती थी, अपने पति श्री कृष्ण की सेवा ये पत्नियां स्वयं करती थी। यदवंशियों का असंख्यत्व बताया और दशम स्कंद को विराम दिया। एकादश स्कंद श्री हरि के ललाट रूप है। एकादश स्कंद में ज्ञान कथा है। आरंभ में भगवत इच्छा से ऋषियों का यादवों को शाप हुआ, ये कथा सुनाया है। देवर्षि नारद जब पधारे द्वारका, वसुदेव जी ने सत्संग की याचना किया। देवर्षि नारद ने राजा निमि और नवयोगेश्वरों का संवाद सुनाया है। महाराज निमि के नवयोगेश्वरों को नव प्रश्न है और नव प्रश्नों के जवाब में नवो योगेश्वरों ने उपदेश किया है। एकांत में देवता प्रभु के पास आए, स्तुति किए। भगवान बोले, यदवंश के क्षय रूप एक कार्य जो बाकी रह गया है उसको संपन्न करके हम स्वधाम पधारेंगे। ऋषियों के शाप के कारण द्वारका में अनेक प्रकार से अनिष्ट होने लगा। भगवान ने सभी अपने सगे संबंधियों से कहा कि द्वारका में अनिष्ट हो रहा है, हमसे कोई दोष हमसे कोई पाप हो गया है, चलो इसके निवारण के लिए हम पिंडारक क्षेत्र प्रभास क्षेत्र में जाते हैं, त्रिवेणी में स्नान करेंगे, दान करेंगे। सब यादव अपने अपने वाहन तैयार करने लगे। यहाँ भगवान काल स्वरूप बनकर के अपने ही परिवारजनों को काल के मुख में ले जा रहे हैं। उद्धव जी भगवान के अंतरंग सखा है, समझ गए भगवान की इच्छा क्या है। एकांत में भगवान के शरण में गए और बोले, मैं जानता हूं ब्राह्मणों के शाप को मिथ्या करने में आप समर्थ है, किंतु आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप ही की इच्छा से ब्राह्मणों ने यदवंश को शाप दिया है। प्रभो, आप यदवंश क्षय करके स्वधाम पधारना चाहते हैं तो मेरा कोई विरोध नहीं है, मेरा एक अनुनय है, स्वधाम नय माम अभी, मुझे भी अपने साथ स्वधाम ले चलिए। भगवान ने आजान बाहु श्री कृष्ण ने उद्धव को चरण से उठाया, अपने हृदय से लगाया, बोले, उद्धव हम साथ आए नहीं है तो साथ जाए कैसे। उद्धव यदि ज्ञान दृष्टि से तुम इस संसार को देखोगे तो तुम हर जगह हर कण में हर क्षण में मुझे पाओगे। भगवान ने जाते जाते उद्धव को ज्ञानोपदेश किया। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अपने सखा अर्जुन को ज्ञानोपदेश किया गीता का, और उसको युद्ध में लगाया, कर्म मार्ग में प्रेरित किया। और यहां पर भगवान ने द्वारका में उद्धव को ज्ञानोपदेश किया और उद्धव को निवृत्ति मार्ग की ओर प्रेरित किया। उद्धव जी का चित्त शुद्ध हो चुका। उद्धव जी बचपन से ही भगवान के सान्निध्य में रहे, बचपन से ही भगवान के साथ खेले हैं, ठाकुर के अंतरंग सखा है। कन्हैया यदि अपने दिल की बात किसी से कहना चाहे तो सामने एक ही व्यक्ति है, उद्धव। कृष्ण के दिल की हर बात उद्धव जानते हैं। भगवान ने उद्धव को ज्ञानोपदेश किया, अपने पूर्वज राजा यदु और दत्तावधूत का संवाद सुनाया, जिसमें दत्त भगवान के 24 गुरुओं की कथा सुनाया, बद्ध मुक्त के लक्षण बताए, सत्संग के महिमा का गान किया, कर्मानुष्ठान के द्वारा कर्म के बंधन से मुक्त होने की युक्ति बताया, भक्ति के साधन यम नियम आदि का वर्णन किया। भगवान ने हंस रूप में ब्रह्मा को ज्ञानोपदेश किया था, यह कथा सुनाया। भक्ति योग का महत्व और ध्यान योग का वर्णन किया। अष्टादश सिद्धि का वर्णन करते हुए भगवान ने निवेदन किया, उद्धव 8 सिद्धि मुख्य है, 10 गौण है। जैसे जैसे भजन करते सात्विकता का प्रभाव बढ़ने लगता है जीवन में, सिद्धियां स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के जीवन में आती है, साधक के जीवन में आती है, किंतु जो सिद्धियों में फंसता है वो मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता। उद्धव, सिद्धियां मेरी प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती है, जिसका अनन्य प्रेम मुझ में है वो तो सिद्धियों को भी तृण के समान तुच्छ समझता है, उसको संसार से वैराग्य होता है। कही यता तसो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तिनी गुण त्यागी। भगवान ने अपनी विभूति का वर्णन किया, 4 वर्ण और 4 आश्रम के धर्म समझाए, भक्ति के साधन यम नियम आदि का वर्णन किया, ज्ञान कर्म भक्ति योग का वर्णन किया, द्रव्य देश आदि गुण दोष वर्णन किया, तत्वों की संख्या पुरुष प्रकृति का विवेक बताया, तितिक्षु द्विजोपाख्यान के द्वारा अपमान सहने की विद्या बताया, एक अध्याय में सांख्य योग का वर्णन किया,
सत्व आदि त्रिगुण वृत्ति निरूपण किया, भगवान ने ऐल गीत बताया, अंग सहित क्रिया योग का वर्णन किया, परमार्थ का निरूपण किया, भागवत धर्म का उपदेश करके भगवान उद्धव को अपनी पादुका प्रदान करते हुए बोले, उद्धव इस पादुका को लेकर तुम बद्रिकाश्रम में जाओ, अब तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, उद्धव तुम्हारा चित्त शुद्ध हो चुका। श्री राम जी ने अपनी पादुका भरत को दिया था, श्री कृष्ण ने अपनी पादुका अपने प्यारे उद्धव को दिया। उद्धव जी भगवान की पादुका को अपने मस्तक पर धारण करके बद्रिकाश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान यादवों को लेकर प्रभास में पधारे, तीर्थ स्नान करके, तीर्थ देवताओं का पूजन करके और तीर्थ में दान करके सब लोग निष्पाप हो गए और तब भगवत इच्छा से यदवंश क्षय हुआ और स्वयं ठाकुर भी स्वधाम पधारे। 125 वर्ष भगवान का शरीर श्री विग्रह इस धरती पर रहा, किंतु एक बाल सफेद नहीं हुआ था, एक दांत गिर नहीं गया था, आंखों का तेज कम नहीं हुआ था, श्री कृष्ण योगेश्वर है। द्वादश स्कंद आश्रय लीला है, भगवान के स्वधाम गमन के पश्चात द्वापर युग समाप्त हुआ, कलयुग का आरंभ हुआ और कलयुग में जो राजा हुए उन सबका वर्णन किया। सुखदेव जी महाराज ने कलिधर्म निरूपण किया, कलि के अनेक दोषों का वर्णन करते हुए सुखदेव जी बोले, राजन कलि के अनेक दोष होते हुए भी संतों ने ऋषियों ने कलि को श्रेष्ठ माना है, क्योंकि अन्य युगों में भगवान की प्राप्ति जो कठिनता से होती है कलि में सरल हो जाती है। सत्ययुग में ध्यान से जो फल मिलता है, त्रेता में यज्ञ से जो फल मिलता है, द्वापर में अर्चन से जिस फल की प्राप्ति कही गई है, कलौ तद हरि कीर्तनात्, वही फल कलिकाल में हरिनाम संकीर्तन से प्राप्त होता है। कपट छोड़ करके भगवान के गुणों नामों और लीलाओं का संकीर्तन करना, यही कलि में भवनिधि को तरने का श्रेष्ठतम और सरलतम उपाय है। इसलिए राम ही गाय सुमिरिह राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही, नहीं कलि कर्मन भक्ति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु, आदि शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी नाम संकीर्तन के महत्व को गाया है। सुखदेव जी महाराज ने चतुर्विध प्रलय का वर्णन किया, परमार्थ का उपदेश करके कहा कि राजा परीक्षित तुम देह नहीं हो, अब तक्षक आवेगा तुम्हें डसेगा, ये सब देखने के लिए मैं यहां रहना नहीं चाहता, किंतु जब तक मैं यहां बैठा हूं तक्षक आ नहीं पाएगा, कहो और क्या सुनना चाहते हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम देह बुद्धि का त्याग करो, मैं शरीर हूं यही पशु बुद्धि है, पशु बुद्धि का तुम त्याग करो, राजा मरता वही है जिसका जन्म होता है, जन्म तुम्हारे शरीर का हुआ है तुम्हारा नहीं, जब ये शरीर नहीं था तुम्हारा उस वक्त भी तुम थे, इस शरीर के रूप में भी शरीर में तुम हो और शरीर नहीं रहेगा तुम्हारा उस वक्त भी तुम तो रहोगे, राजा तुम त्रिकाल सत्य हो, राजा न तुम्हारा जन्म है न तुम्हारी मृत्यु है, षड विकार शरीर में है तुम्हारे में नहीं, तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो, राजा जिसकी कथा मैंने तुमको सुनाया है उससे तू मैं और ये संसार जुदा नहीं है। प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि सर्वं खलु इदं ब्रह्म नेहनानास्ति किंचन। श्रुति के महावाक्यों के द्वारा राजा को ब्रह्मात्मैक्य बोध कराया और सद्गुरु की कृपा से श्री हरि की करुणा से राजा परीक्षित ने अपनी आत्मा को उस परब्रह्म परमात्मा से अभिन्न अनुभव कर लिया और परब्रह्म में स्थित हो गए। बोले सोहम शिवोहम अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा मे समत्वम न मुक्तिर्न बंधः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अब सुखदेव जी उठे, राजा परीक्षित ने सुखदेव के चरणों में नमस्कार किया। मात पिता और गुरु के ऋण से कोई कैसे मुक्त हो सकता है, ब्रह्मन मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं। सुखदेव जी वहां से सिद्धों और परमहंसों से घिरे हुए विचरण करते हुए वहां से चले गए। सभा में जितने लोग बैठे थे ऋषि मुनि सब अपने अपने आश्रमों की ओर लौट गए, जो गृहस्थी थे वो भी भाग गए। राजा परीक्षित अब तक्षक की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आसन लगाया, प्राणों को अनाहतादि षड चक्रों में घुमाकर ब्रह्मरंध्र में स्थित कर दिया, परब्रह्म में स्थित हो गए। अब बाह्य दुनिया का कोई भान ही नहीं है, अब तक्षक जब चाहे तब आवे, जो चाहे सो करे, राजा परम शांत। लेकिन तब अचानक कोलाहल हुआ,
घोड़े के टाप सुनाई पड़े। असंख्य घोड़े धूल उड़ाते हुए वहां आए, भयंकर आवाज करते हुए शोरगुल होने लगा। लोगों ने देखा तो थोड़ी ही देर में परीक्षित पुत्र महाराज जन्मेजय सेना को लेकर के वहां उपस्थित हो गए और तुरंत उन्होंने हुक्म किया, चारों ओर से घेर लिया जाए इस स्थान को, तक्षक अंदर आने न पाए, मेरी आज्ञा के बगैर एक पक्षी भी उड़कर अंदर न जाए। जन्मेजय ने सोचा, मैं बाप को मरने नहीं दूंगा, किंतु होनी को कौन टाल सकता है। समय हुआ तो तक्षक ब्राह्मण के रूप में निकल चुके हैं। मार्ग में एक दूसरा ब्राह्मण काश्यप मिल गया। वो अपने सिद्ध मंत्र के द्वारा परीक्षित को पुनर्जीवित करने आ रहा था। दरिद्र था, कामना थी संपत्ति की, तक्षक ने उसको संपत्ति देकर बीच मार्ग से ही लौटा दिया। और किसी तरह तक्षक कहते हैं एक फल में कीड़े का रूप लेकर के अंदर घुस गए और फिर तक्षक नाग के रूप में परिवर्तित होकर के जैसे ही उन्होंने अपना मुंह खोला और विष की ज्वाला जैसे ही छोड़ा, उस विष के अग्नि में ही राजा शरीर का परीक्षित का शरीर जलकर राख हुआ। किंतु उसके पहले ये महान आत्मा परब्रह्म में लीन हो चुकी थी। देवों के दुदुम भी बजने लगे आकाश में, स्वर्ग में, और पुष्प वृष्टि होने लगी। जय घोष हुआ, बोलिए परीक्षित महाराज की। उसके पश्चात क्रोधित जन्मेजय के सर्प सत्र की कथा है। वेद और वेद की शाखाओं एवं विभागों का वर्णन है। मार्कंडेय की तपस्या और मार्कंडेय ने की हुई महाप्रलय लीला का दर्शन ये कथा है। मार्कंडेय को भगवान शंकर जी का वरदान मिला और मृत्युंजय महादेव के वरदान के चल के मार्कंडेय धन्य हुए ये कथा है। भगवान के चतुर्व्यूह का और सूर्य व्यूह का वर्णन किया गया है। विभिन्न पुराण और पुराणों के श्लोकों की संख्या बताया गया है। भागवत में आए हुए सभी विषयों को पुनः एक बार रिविजन किया गया है और अंत में श्री सूत महाराज ने नैमिषारण्य में कथा को विराम की ओर ले जाते हुए परमात्मा को प्रणाम किया। कस्मै येन विवासितो यमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगेन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः शुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि से भागवत का आरंभ हुआ था। सत्यम परम धीमहि से ही उपसंहार अंत में चार श्लोक में, एक में प्रभु की वंदना, एक में सुखदेव की वंदना, एक में भक्ति की याचना और एक में आश्रय। आइए इन चारों श्लोकों का संकीर्तन करते हुए हम इस ज्ञान यज्ञ को विराम की ओर ले चले। अनंत है कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कहीं सुनहीं बहुविधि सब संता। किंतु जितना कुछ सेवा में प्रस्तुत हुआ उससे भोले बाबा प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद दे कि ठाकुर के चरणों में अविच्छिन्न रति हम सबके जीवन में रहे। आइए चार श्लोकों का संकीर्तन करते हैं। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे याइदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे योगिन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्प दष्टं यः विष्णुरातं अमुमुचत् भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वन्नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं
परम। तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण। भव जल लहरी नदियां गहरी, भव जल लहरी नदियां गहरी, कर मन बेग बहा प्रभु, मैं कर मन बेग बहाया हूँ, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण। पर बल माया जाल बिछा, चारों तरफ फसाया हूँ प्रभु, मैं चारों तरफ फसाया हूँ, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण। क्षण भंगारा विषय विकारा, क्षण भंगारा विषय विकारा, जन्म जन्म भर माया प्रभु, मैं जन्म जन्म भर माया हूँ, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण। ब्रह्मानंद दास दासन का, ब्रह्मानंद दास दासन का, ब्रह्मानंद दासन का, ब्रह्मानंद दास दासन का, चरण कमल लपटाया प्रभु, तेरे चरण कमल लिपटाया हूँ, तेरी शरण प्रभु, 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 तेरी शरण।
राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम भगवान नाम संकीर्तन के साथ आइए अष्ट दिवसीय इस वांग्मयी पूजा को भगवान के चरणों में समर्पित करें। वैश्विक संस्कृति परिवार के द्वारा प्रभु प्रेरणा से ही संकल्पित भगवान केदारनाथ के सानिध्य में ये भागवत ज्ञान यज्ञ आज बाबा केदारनाथ की कथा प्यास के चलते ही संपन्न हो सका। भगवत कथा सुना करके बाबा केदारनाथ को परम सुख मिलता है। अपने इष्ट की कथा सुनकर वे बड़े प्रसन्न होते हैं। उनके सुख के लिए उनकी प्रसन्नता के लिए यथामति यथाशक्ति हमसे जो बाल सहज चेष्टा हुई उससे भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और हम सबको अवढरदानी ऐसी संपत्ति दान में देंगे जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते हैं। भगवान से हम सब ठाकुर के चरणों में रति ही मांगते हैं। शिवजी शैवों के लिए इष्ट है तो वैष्णवों के लिए भी त्रिभुवन गुरु के रूप में आराध्य ही हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पामर का जाना भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं वागर्थाविव संप्रुक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वर। बोलिए केदारनाथ भगवान की अन्नपूर्णा माता की गणपति गजानन महाराज की श्री भैरवनाथ जी बाबा की श्री मंदाकिनी माता की श्री केदार खंड की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यहाँ के स्थानीय लोगों ने जिस प्रेम और उत्साह के साथ इस कथा को संपन्न करने हेतु सहयोग किया है वे वाकई साधुवाद के पात्र हैं। हम उन्हें साधुवाद देते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। यहाँ का पुरोहित समाज भी उतने ही अनुराग के साथ सबको बाबा केदारनाथ की पूजा कराता रहा। हम पुरोहित समाज को भी प्रणाम करते हैं। वैश्विक संस्कृति परिवार के हमारे सभी कार्यकर्ता, और मैं सोच रहा था भगवान ने क्या कृपा की है, हर प्रकार के लोग वैश्विक संस्कृति परिवार को दे दिए ठाकुर जी ने। चाहे फिर अनाउंसमेंट का काम हो, चाहे फिर स्टेज की व्यवस्था की बात हो, वीडियो ऑडियो व्यवस्था की बात हो,
चाहे भोजन व्यवस्था की बात हो, चाहे आवास निवास की व्यवस्था की बात हो, चाहे प्रचार प्रसार की बात हो। अब परिवार में अपने कुटुंब का आभार क्या माने, अपने ही परिवार सदस्यों का आभार क्या माने, उनको तो आशीर्वाद है। भगवान करे तुम्हारा ये उत्साह, आप लोगों का ये भाव, आप लोगों की ये भक्ति और मस्ती न केवल बना रहे, बाबा केदारनाथ की कृपा से दिन प्रतिदिन उसमें अभिवृद्धि होती रहे, और उस उत्साह को, उस लगन को देखकर कभी केदारनाथ अपनी ओर खींच लेके आओ, कुछ दिन साथ रहेंगे, हरिगुण गाएंगे, कभी बद्रीनाथ भगवान बुलावा भेजे तो कभी वृंदावन से श्री किशोरी जू हमें बुला ले, आ जाओ ना साथ मिलकर कभी कृष्ण गुणगान करेंगे। सबके प्रति बहुत बहुत स्नेह अपना प्रकट कर रहा हूं मैं। इस यज्ञ में इसको संपन्न करने हेतु जिन जिन दाताओं ने आहुति दिया है वे सब भी आशीर्वाद और साधुवाद के पात्र है। सभी ने कुछ दिया और कुछ लिया, यही परिवार की बात है ना। जहां प्रेम होता है वहां लेन देन आपस में बांट कर भोगने की सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवा वहै तेजस्विनावधीतमस्तु। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवा वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ये पंचसूत्री के अनुसार एक पारिवारिक भावना से हम यहाँ रहे। संध्या की सभा में भी बड़ा आनंद किया, कितने प्यारे प्यारे भजन सुनने को मिले। इसलिए मैंने कहा ना, सब प्रकार के लोग ठाकुर जी ने संस्कृति परिवार में भेज दिए हैं। आपका नाम नहीं, आपका काम मेरे हृदय में है, इसलिए सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और संतों ने दर्शन दिए, पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज स्वास्थ्य के खराब होने के चलते नहीं यहाँ पहुँच पाए, किंतु उनकी उपस्थिति हमने बहुत अनुभव किया है। यहाँ के संत भी आ गए, पूज्य भागवतानंद जी महाराज आ गए, पूज्य अभिराम बाबा आ गए, और पूर्णावती में हमारे अभिन्न पूज्य मुनि जी महाराज भी यहाँ पधार गए, जिनके सानिध्य में हम विराम की ओर चल रहे हैं। अंत में आपका आशीर्वाद भी होना है। आइए, हरिनाम संकीर्तन से यात्रा का आरंभ किया था, तो हरिनाम संकीर्तन से ही इस वांग्मयी पूजा को विराम की ओर ले चले, प्रभु के चरणों में समर्पित करें भाव और प्यार से। राजा राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। जैसा कि हमारे तुषार भाई ने बताया था कि हमारे जाने के बाद भी हमारे गुलाल के जो छींटे हैं यहाँ इस धरती पर रहेंगे। इस प्रवचन हॉल का मंगल आरंभ हरि कथा से हुआ, और यहाँ इस हॉल में संस्कृति परिवार के द्वारा जो सेवा हो पाई, हमने विनती किया है यहाँ की कमेटी, टेंपल कमेटी से भी, कि ये कारपेट, ये व्यासपीठ, ये चंदोवा, जो कुछ है हम यहाँ बाबा की सेवा में छोड़कर इसलिए जा रहे हैं कि जब जब कथा यहाँ हो, प्रवचन हो, तो बस संस्कृति परिवार के सभी सदस्यों के प्रेम और मस्ती की याद आती रहे और हम सबको आशीर्वाद मिलता रहे। बाबा भोलेनाथ और टेंपल कमेटी वैश्विक संस्कृति इस परिवार की सेवा को स्वीकार करें। इस विनती के साथ आइए, तीन बार हरे नमः के साथ, क्योंकि तो अपूर्ण पूर्ण हो जाता है। हरे नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। जो भी कंबल आदि है वो भूकंपग्रस्त विस्तार में सेवा के लिए समर्पित किए जाएंगे, और भी जो सेवा बन पाई है वो वैश्विक संस्कृति परिवार के द्वारा हुई है। इस सेवा से, इस यज्ञ से
और इस सत्कर्म से बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो, हम ये सारा सत्कर्म ठाकुर के चरणों में समर्पित करते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीनारायणायेति समर्पयामि। इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेश प्रियतां मे सदा शिव, प्रियतां मे सदा शिव, प्रियतां मे सदा शिव। अच्युतं केशवं श्रीरामनारायणं श्रीकृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं श्रीगोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे, जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे, जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। श्रीद्वारकाधीश की जय, श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, केदार खंड की जय, केदारनाथ भगवान की जय, बद्रीनाथ भगवान की जय, गंगोत्तरी धाम की जय, यमुनोत्री धाम की जय, उत्तराखंड की जय, भारत वर्ष की जय, भारत माता की जय, सदगुरुदेव की धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर जय जय मंदाकिनी के पावन तट पर श्री केदारनाथ जी के पावन चरणों में बैठ करके परम पूज्य सुखदेव समान पूज्य भाई जी के सानिध्य में और उनके श्रीमुख से हम सब ने श्रीमद्भागवत की ये पावन यात्रा आज यहाँ विराम दे रही है। आपको यदि याद हो, 8 दिन पहले 23 मई 1999 को और घड़ी देखें तो लगभग 10:15 बजे हम सब लोग श्री केदारनाथ के चरणों में पूज्य भाई के साथ बैठे थे और वहाँ से श्री केदारनाथ जी के चरणों को प्रणाम करके पूज्य भाई जी की ये यात्रा यहाँ पर आई थी और हम सब लोगों ने अश्रुपूर्ण भाव से यहाँ पर ये कथा यात्रा शुरू की थी। आज ये कथा यात्रा यहाँ विराम ले रही है। अष्ट दिवसीय ये अनुष्ठान यहाँ पर आज विराम ले रहा है, लेकिन हमारी ये भागवती यात्रा पूज्य भाई श्री के निर्देशन में, उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से अबाध गति से, अविराम गति से चलती रहे, इसी कामना से और इसी आशीर्वाद की आकांक्षा को लेकर के मैं पूज्य मुनिश्री को प्रणाम करते हुए उनसे निवेदन करता हूँ कि वे हमें आशीर्वचन दें।
वंशी विभूषण तनेत्रा कृष्णात् परम किमपि त्वमहं न जान मूकं करोति वाचालं पांगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदमाधवं यत्कृपा तमहं नन्दमाधवम् ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना धीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शांति 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 भगवान विष्णु वैकुंठ में शयन कर रहे थे। शयनावस्था में उन्होंने एक स्वप्न देखा। बड़ी प्यारी कथा है ये धर्म बृहद धर्म पुराण की। उन्होंने एक स्वप्न देखा कि भगवान शिव भगवान माहेश्वर स्वप्न में करोड़ों चंद्रमाओं का रूप धारण किए शरीर पर डमरू और त्रिशूल धारण किए तीनों नयनों से निहारते हुए भक्ति और मस्ती में नृत्य कर रहे हैं भगवान विष्णु के सामने। उनकी आंख खुल गई, उठकर बैठ गए। लक्ष्मी ने देखा क्या हुआ, पूछा आज अचानक क्या हुआ, क्यों उठ के बैठ गए। भगवान विष्णु शांत रहे, चुप रहे। लक्ष्मी ने फिर पूछा, भगवान विष्णु ने कहा चलो आज मैंने एक बड़ा ही दिव्य स्वप्न देखा है। लगता है कि भगवान शिव कैलाश की ओर बुला रहे हैं, चलो चलते हैं। दोनों तैयार हुए, दोनों चल पड़े कैलाश की ओर। रास्ते में बड़ा ही दिव्य दृश्य देखा, उधर भगवान शिव और उमा दोनों चले आ रहे हैं नृत्य करते हुए मस्ती से भरपूर। दोनों का मिलन हुआ, चर्चा हुई, तो चर्चा ही चर्चा में वार्ता हुई
कि भगवान शिव ने भी आज ऐसा ही दृश्य देखा है कि भगवान विष्णु उनके स्वप्न में आए और उनकी भी इच्छा हुई चलो वहां चलें। मिलन के बाद दोनों ने एक दूसरे से कहा चलो कैलाश। उन्होंने कहा चलो वैकुंठ ही चलते हैं। दोनों एक दूसरे को बार बार प्रार्थना करते रहे वैकुंठ में चलने की, इधर कैलाश में चलने की। जब निर्णय नहीं हो पाया तो भगवान विष्णु ने उमा भगवती पर निर्णय छोड़ा, अब आप ही बताओ, आप जो निर्णय देंगी वैसा कर लिया जाएगा। कैलाश चलना होगा तो कैलाश चलेंगे और वैकुंठ चलना होगा तो वैकुंठ चलेंगे। भगवती उमा ने निर्णय दिया, मुझे तो आज ऐसा लगता है और ऐसा ही सत्य है कि ना वैकुंठ में अंतर है ना कैलाश में अंतर है, वैकुंठ कैलाश है, कैलाश वैकुंठ है, और आज दोनों में भी कोई अंतर नहीं है। आप विष्णु हैं और आप ही महेश हैं। मैं तो हम दोनों में भी कोई अंतर नहीं देखती हूँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ और यही उमा है। एक ही आत्मा है, एक ही अभिन्नता है, एक ही एकता है। आज पुराण की उस कथा को जब मैं देखता हूँ, नर और नारायण की इस नगरी में, भगवान माहेश्वर की इस नगरी में, क्योंकि कुछ ज़्यादा भेद नहीं है, शिखर के पूर्व की ओर देखें तो अलकनंदा बहती है, शिखर के पश्चिम की ओर देखें तो मंदाकिनी बहती है। आज इस दिव्य नगरी में मैं जब देखता हूँ, इस कथा को याद करता हूँ, तो कथा उस केदारेश्वर को यहाँ पर लाई है या केदारेश्वर इस कथा को यहाँ पर ले आए, मुझे दोनों में कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता। इसी केदारेश्वर ने ही इस विश्व को ये दिव्य कथा दी और आज वही केदारेश्वर इस कथा को यहाँ पर लेकर आए हैं। ऐसा लगता है कथा भी अद्भुत, कथा के वक्ता भी अद्भुत। मैंने कल कहा था डोंट टेक इट दैट इजी, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। ये प्रभु कृपा है कि ऐसा प्यारा वातावरण, ये चारों धाम की यात्रा ऐसे पवित्र सानिध्य में आपको करने को मिल रही है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेना। कुलम पवित्रम, जब ऐसी दिव्यता धरती पर जन्म लेती है तो कुल भी पवित्र हो जाता है। वो पवित्र कुल था इसलिए जन्म लिया, एक बात, लेकिन जिसने जन्म लिया उसकी वजह से कुल पवित्र हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, और ऐसे दिव्यता को जन्म देने वाली जननी भी धर्म धन्य हो जाती है। वसुंधरा पुण्यवती चतेना, और ऐसे पवित्रता को पाकर, दिव्यता को पाकर पूरी पृथ्वी भी धन्य उठती है। आज केदारनाथ के धाम में मुझे ऐसा ही लगता है कि 10,000 रुपये दिए, डाया भाई को बुक कर लिया, कुछ बसें बुक कर ली और फिर यहाँ पहुँच गए, ऐसा संभव नहीं हो सकता। कितने ही लोग थे जो 10,000 नहीं, 1-1 लाख देने को तैयार थे, लेकिन कुछ चुने हुए फूल ही इस ठाकुर की बगिया में आ पाए। कुछ चुने हुए लोग ही जो अपने सुमन के साथ समर्पित होना चाहते थे, उन्हें ही अवसर मिला है। तो जिनकी वजह से अवसर मिला, आज उन्हें प्रणाम करते हुए यहां से सब भले ही भागवत को विराम दे रहे हैं, लेकिन अपना जीवन भागवत बने, अपना जीवन पवित्र बने, इस बात को नहीं भूलना है। तो ये कथा जिस सानिध्य से आपको मिल रही है, ये उन पैसों की वजह से नहीं, बल्कि कोई ऐसे पुण्य उदय हुए हैं जो आपके पूर्वजों ने किए हों, आपने किए हों,
और उस ठाकुर की कृपा का परिणाम है कि आज आप केदारेश्वर में, कैसी पवित्र धरती है ये, उत्तराखंड में, पूरे विश्व में भारत, और पूरे भारत में ये हिमालय, और पूरे हिमालय में ये उत्तराखंड, बड़ा ही दिव्य है। और उस उत्तराखंड में भी ये बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये दोनों ही बड़े दिव्य धाम हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री तो इसलिए दिव्य हैं कि हमारे देश को दिव्यता प्रदान करने वाली गंगा वहाँ से अवतरित हुई, यमुना वहाँ से अवतरित हुई, इसलिए ये गंगोत्री और यमुनोत्री धन्य हैं, पवित्र हैं, उसका भी दर्शन किया। और केदारनाथ और बद्रीनाथ जो पूरे हिमालय के मस्तक माने जाते हैं, मुकुटमणि माने जाते हैं, ये दोनों दिव्य स्थलों में अब आपको दर्शन करने का अवसर मिला है और मिलेगा कल। कहा तो ये जाता है केदारनाथ के बारे में कि यदि कोई बिना केदारनाथ की यात्रा किए हुए, बिना केदारेश्वर की यात्रा किए हुए बद्री भी पहुंच जाता है, उसकी यात्रा सफल नहीं होती है। और वो यात्रा भागवत की कथा के साथ जुड़कर करते हैं हम, भागवत को साथ लेकर। कहीं कहीं आज तक मुझे नहीं पता है कि केदारनाथ में शोभा यात्रा, भागवत की शोभा यात्रा गौरी कुंड से शुरू हुई हो। हमारे एक टेंपल कमेटी के, हमारे तिवारी जी लोग जानते होंगे, शायद अभी कोई शोभा यात्रा ऐसी नहीं हुई है जो गौरी कुंड से लेकर केदारेश्वर तक आई हो। ये पहली शोभा यात्रा थी और उस शोभा यात्रा में आपको सम्मिलित होने का अवसर मिला। कितने पुण्यशाली हैं आप सब। केदारनाथ जो परम पवित्र हिमालय के केदार शिखर पर अवस्थित है, जिसके पूर्व, शिखर के पूर्व ओर अलकनंदा बहती है और शिखर के पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर नारायण का निवास है, पश्चिम की ओर, शिखर के पश्चिम की ओर जहाँ मंदाकिनी बहती है वहाँ केदारेश्वर का निवास है। और आपको अच्छा लगेगा सुनकर कि ये दोनों नदियाँ, ये पवित्र नदियाँ, उधर अलकनंदा, ये मंदाकिनी, दोनों जहाँ मिलती हैं वो है रुद्रप्रयाग। इस रुद्रप्रयाग से यात्रा आगे बढ़ती है और उधर गंगोत्री से जब भागीरथी, तीनों का संगम होता है देवप्रयाग में, यही संगम गंगा बनकर ऋषिकेश की ओर बहता है। और जब ऋषिकेश में आप स्नान करते हैं तो आप केवल गंगा में स्नान नहीं करते हैं, आप बद्रीनाथ और केदारनाथ के चरणों में बैठकर स्नान करते हैं। उन्हीं के चरणों को पवित्र, उन्हीं के चरणों से ही, उनकी पवित्र नगरियों से होती हुई ये गंगा ऋषिकेश पहुंचती है। और यही इस देश की संस्कृति है। उस गांव में बैठा हुआ व्यक्ति गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु, उस गांव में बैठा हुआ व्यक्ति इन पवित्र नदियों का स्मरण करता है और अपने को धन्य मानता है। और जिनकी कृपा से आपको उन नगरियों में आने का अवसर मिला, उन पुरियों में आने का अवसर मिला, उन पवित्र धामों में आने का अवसर मिला, इससे बड़ी जीवन की धन्यता क्या हो सकती है? कैसे ऋण चुका सकते हैं? हमारे यहाँ सुबह सुबह प्रार्थना जब होती है, एक पंक्ति गाई जाती है, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए, आपके उपकार का हम ऋण चुका सकते नहीं, बिनु कृपा के शांति सुख का पार पा सकते नहीं, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा की।
छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं, जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा की जिए। आपके उपकार का हम ऋण चुका सकते नहीं। जितने भी यहां बैठे हैं, यदि ऋण चुकाना है तो एक ही उपाय है कि जो सूत्र, जो दिव्यता हमारे पूज्य भाई श्री ने, जिनका जीवन स्वयं में भागवत है, मैं तो कहता हूं हजारों तीर्थ मिलकर भी एक संत पैदा नहीं कर पाते कई बार, लेकिन एक दिव्य संत जहां बैठ जाता है वहीं तीर्थ बन जाता है। केदारेश्वर बड़ा ही पवित्र है, लेकिन केदारेश्वर की पवित्रता बनी रहे उसके लिए ऐसे दिव्य संतों के बार बार चरण पड़ते रहें, ऐसे दिव्य संत बार बार आते रहें, ऐसे दिव्य भक्त बार बार आते रहें, इसकी भी बड़ी आवश्यकता है। इसलिए इस दिव्य नगरी में जो आज हम सब ने प्राप्त किया है, और यही पर्पज है इस में आने का, चारों तरफ जहां देखते हैं, सुबह प्रातःकाल भाई श्री मुझे बता रहे थे, सुबह मैंने भी दर्शन किया कि ऐसा लगता है साक्षात शिव का दर्शन हो रहा है। जहां देखो उनका दर्शन है, प्रकृति चारों ओर फैली है उनकी। इस सुंदरता का, इस प्रकृति का अर्थ क्या था? Why we come to nature? The purpose of coming to nature is come to nature, be with nature and just change your nature. हम अपने चेंजर, अपने स्वभाव को परिवर्तित कर दें, और यही यहाँ आने का तात्पर्य है। हम यदि यहाँ आए हैं, यहाँ से वापस लौटें तो हमारा स्वभाव परिवर्तित हो जाए, हम में कुछ दिव्यता हो, हम अपने घरों को लौटें, हमारे घर में जब लोग हमें देखें उनका भी अगली बार केदार में यात्रा हो या बद्री में कथा होगी उनका भी आने को मन करे। भले ही टेंट लगाकर कथा करनी पड़े, लेकिन केदारनाथ का हर कोना, बद्रीनाथ का हर कोना भर जाए भक्तों से, और ऐसा हो सकता है। आइए इस भाव को लेते हुए, इस पवित्रता को लेते हुए, इस दिव्यता को लेते हुए आज जब हम यात्रा शुरू करें, कल मैंने बताया था हमारी यात्रा का हर कदम पवित्र बने। आज उन्होंने जब कथा को विराम दिया और परीक्षित की जीवन यात्रा को विराम दिया तो एक सूत्र दिया, शिवोहम 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 शिवोहम, सोहम और शिवोहम। हम भी जब आप यहाँ से चलेंगे तो एक पग जब आगे, दायां पैर पहले आगे रखेंगे, शिवो, दूसरा करें हम, शिवोहम 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 सोहम सोहम। आप देखेंगे जैसे ही आपका शिवोहम रुकेगा, जैसे ही आपका सोहम रुकेगा, आपके कदम रुक जाएंगे। जैसे जीवन से शिव निकलते हैं तो जीवन यात्रा समाप्त होती है, ऐसे यदि जीवन से देखेंगे आप, आपके कदमों से शिव और अहम हो, शिव और अहम का जो यात्रा है दोनों की, शिवोहम शिव और मैं और शिव, ये दोनों अलग नहीं हैं, वही सोहम की यात्रा बनेगी। आज इसका प्रयोग करिएगा पूरे केदारनाथ से बद्रीनाथ तक, शिवो हम, दायां पैर शिव और दूसरा पैर अहम करेगा बायां पैर, शिवो हम, और आप देखेंगे इसका अनुभव, और यही आप साथ ले चलेंगे। दूसरी बात जो शास्त्रों में कही है, संतों ने कही है, एक केदार में यात्रा जब करें और केदार से निकलें तो एक बड़ी दिव्य बात कही गई है केदार के बारे में कि 11 बार, हमारे ऋषियों ने बात की है 11 बार, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये 11 बार यात्रा जब शुरू होगी, जपते हुए करते हुए कि हम मृत्यु से अमृत्व की ओर हमारी यात्रा हो, अमृत की ओर हम बढ़ें, मृत्यु से मोचन की यात्रा थी ये,
अमृतत्व की ओर यात्रा थी, ये दिव्य मंत्र है, इसको करते हुए शिवो हमको जपते हुए हम लोग आज यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और इसका अनुभव करेंगे कि कितनी दिव्य हमारी यात्रा बनेगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब यहाँ मैं आया मुझे बड़ा ही सुंदर लगा कि मुझे लगा कि क्यों 10 दिन में यहाँ नहीं आया पहले। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जब बनने को था तो प्रधानमंत्री कार्यालय से, गवर्नर ऑफिस से, कमिश्नर ऑफिस से लगातार हम लोग संपर्क में थे कि जब मुझे सूचना मिली कि कार्यक्रम बन सकता है तो हमने उनसे बताया कि कथा में भी 15 मिनट 20 मिनट जितना वो रह सकते हैं वे रहें। और मुझे प्रसन्नता है भारत के उस धर्मप्राण प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि अगर जिस समय बनेगा, 28 तारीख को ऐसा निश्चित हो रहा है, तो मैं कथा के लिए भी आऊँगा। तो मैं थोड़े दिन वहाँ रुका रहा कि ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से पूर्ण हो, तो उनकी यात्रा के लिए मुझे रुकना पड़ा। लेकिन देश में ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हुई पाकिस्तान की ओर से, और अघोषित युद्ध जैसी स्थिति पैदा हुई और उनका कार्यक्रम स्थगित हुआ। उनकी चर्चा भी मैं करूँगा, उनके लिए भी हमें क्या करना है। अगले दिन मुझे प्रातःकाल पुनः निकलना था, लेकिन पूज्य भाई श्री से चर्चा हुई कि ये जो 2 महीने पूर्व यहाँ पर भूकंप आया, वहाँ पर भी जो दशा हुई, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ मक्कू मठ को, और मक्कू मठ में करीब करीब 365 घर थे, सारे नेस्तनाबूत हो गए और उसके आसपास के क्षेत्र को भी बहुत नुकसान पहुँचा। उसी रात को मुझे जर्मनी से जो इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, वो लोग आए कि पूरे क्षेत्र में ऐसे मकान बनाए जाएं, 500 मकान, हॉस्पिटल, स्कूल और ऐसा क्षेत्र, ताकि आने वाले भूकंप क्षेत्रों के लिए भी एक मॉडल बने कि जहां भी ऐसे भूकंप आते हैं सभी लोग ऐसे मकान बना सकें। तो एक दिन उनके लिए रुकना पड़ा तो मैं नहीं आ पाया, लेकिन मुझे आज यहाँ आने पर लगता है कि पहले दिन से ही यहाँ आए होते तो कितना आनंद होता। लेकिन उन दोनों के लिए जिन शहीदों ने अपने प्राण गंवाए इस युद्ध के दौरान, और जिन्होंने अपने प्राण गंवाए या जिन्होंने अपने घर खोए, अपने प्रियजनों को खोया इस भूकंप में, आज उनके लिए भी इस वेला में हम केदारनाथ से विदा हों। हम उन सब परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, वैश्विक संस्कृति परिवार की ओर से और हमारे केदारनाथ के पूरे परिवार की ओर से, जहाँ जो भी लोग रहते हैं, हम मिलकर जब कथा को विराम होगा, अंतिम होगा, तो हमारे आनंद जी एक मिनट के मौन के साथ हम लोग इसको विराम देंगे, ताकि उनको भी सबको शांति मिले और प्रभु उनको भी अपने चरणों में विराम दें। और ये जो अघोषित युद्ध हुआ, मुझे नहीं मालूम है, उसके बाद सूचनाएं नहीं मिली हैं क्या हो रहा है, और ऐसी स्थिति पैदा हो कि भारत में और भारत के पड़ोसी देशों में शांति बनी रहे, पूरे विश्व में शांति बनी रहे, क्योंकि भारत ने तो विश्व को शांति का ही संदेश दिया है, कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसी शांति की प्रार्थना के लिए आज भगवान केदारेश्वर के चरणों में भी प्रार्थना है कि सबको शांति मिले, सन्मति मिले, ताकि सब लोग अच्छे रास्ते को लेकर आगे बढ़ें। अंत में पुनः हमारे श्री तिवारी जी और केदारनाथ की संस्कृति को जीवित रखने वाले हमारे ये सभी पुरोहितगण, ये पूरी कमेटी, उन सब के प्रति हम पुनः आभार प्रकट करते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। ओम शांति शांति शांति। एक मिनट का मौन करेंगे उन सभी शहीदों के लिए और उन सभी भूकंप पीड़ितों के लिए। ओ ओम जय काना कारा, नम
तारी तब वैकुंठ उतारी कालिया मर्दन की दा कालिया मर्दन की दा आयो ने चारी ओम जय काना कारा गुण तनो तुझ पार के में नहीं आवे प्रभु के में नहीं आवे नेति वेद पुकारे नेति वेद पुकारे पुनीत गुण गावे ओम जय काना कारा जय काना प्रभु नटवर नंदलाला मीठी मोरली वाड़ा मीठी मोरली वाड़ा गोपी ना प्यारा ओम जय काना काड़ा गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुण्डरीकाक्ष मंगलायतनोहरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी